गुड आफ्टरनून मनीष जी, गुड आफ्टरनून योगेश जी, क्या चल रहे? बढ़िया बढ़िया जयसवाल सर, गुड आफ्टरनून। बज के एक मिनट सेशन फुल हो गया। गौरव जी, योगेश को अपना ईवर ग्रीन है, जब से देख रहा हूँ तब से ऐसा ही है। मैं तब तक 258 पे ज्वाइन कर लिया करूँ, थोड़ी समस्या सी हो जाती है हमारे को बाद में। अच्छा मनीष जी, अब आप सुनो मनीष जी, 100 से नहीं 1000 बंदों का ये करो आप, टारगेट नहीं अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी 2-4 दिन मुझे इसको देखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले इसीलिए डॉक्टर तिपन्ना को ऐड किया और डॉक्टर राजेंद्र जयसवाल जी को ऐड किया, पहले उनको ऐड किया, बाकी तीसरे मैंने बाद में सब किया। मैंने कहा कई बाई चांस सेशन ले लीजिए। अच्छा अभी सब जा रहा हूँ मैं, अनीश जी आपने खुद को भी म्यूट कर रखा है। हाँ, अरे कॉल आ गया था इसलिए किया था। ओके डॉक्टर तिपन्ना वेलकम सर, थैंक यू। सो वी हैव अ यू नो द प्रिविलेज्ड एंड ऑब्लाइज्ड दैट डॉक्टर तिपन्ना हमें आज ये सेशन दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन पर्ल पिगमेंट। और हमें बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है और बड़ी और एक खुशकिस्मती है कि डॉक्टर तिपन्ना ने ये एग्री किया कि हमें आज ये ज्ञान देंगे, हमें आप पर्ल के बारे में सारी डिटेलिंग देंगे। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर तिपन्ना। एंड अभी इस सेशन को स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर राजेंद्र जयसवाल, kindly introduce Dr. Tipanna, please. Sure. Good afternoon, everybody. Welcome to Paint Vision session on pearls and pigment. अभी मैंने आप मेरे लेक्चर के बाद काफी कुछ पर्ल पिगमेंट पे डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे ध्यान आया डॉक्टर टिपन्ना हमारे सीनियर रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और मनीष जी को बोला कि उनको भी मैं लेता हूँ। तो डॉक्टर टिपन्ना भी थे, तो उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। सो डॉक्टर टिपन्ना लाइक मेरे लिए तो मेरे सीनियर ही हैं। वो ही इज बेसिकली 1993 BSc Tech ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। आफ्टर दैट ही वर्क विद एशियन पेंट फॉर 1.5 years। उसके बाद उन्होंने ही केम बैक टू यूनिवर्सिटी एंड जॉइंट फॉर MSc Tech, और साथ में ही बिकेम द लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी, एंड ही वॉज लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी टिल हिज After during his master's MSc Tech and PhD Tech, which he has done under the leadership of under the guidance of Professor D.D. Kale. उसके बाद Dr. Tipanna को काफी offer था कि lecture के लिए रुके, but since उनको industry का भी since already been in industry, he wanted to work first hand in industry directly. So he came and he joined Avon Pigments as a senior manager and then headed their R&D. Avon is well known for fluorescent pigments and pearlescent pigments, so he has developed their fluorescent pigments and other, he has worked extensively on that there. After that Avon ke baad he came back to Bombay and then he joined Nirlon, where he worked on nylon. Can you question about it? Hello, yeah. So he joined Nirlon and he worked on nylon, and after that he has worked with Titan Organics. They were making specialty chemicals for paints and
कोटिंग इंडस्ट्री एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपना खुद का कंपनी चालू किया मैक्रोटेक पॉलीमर पॉलीकेम के नाम से, जिसमें उन्होंने नायलॉन के रिसाइकल्ड कैप्रोलैक्टम से नायलॉन के नायलॉन 6 के चिप्स बनाए, उसका उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस चलाया उनका, और पैरेलली वो अपना कंसल्टिंग वगैरह भी केम्प्टिक लेबोरेटरी के नाम के अंडर करते थे। तो ये इनका एक शॉर्ट है, और अभी करंटली नाउ ही इज लाइक एक्सटेंसिवली वर्किंग विद वेरियस कंपनीज, और इनके मैक्रोटेक पॉलीकेम में इन्होंने नायलॉन 6 का प्लांट बनाया और पल्सन पिगमेंट्स का भी प्लांट चालू किया जो उनका भी चल रहा है। तो ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। डॉक्टर टिपन्ना इज एक्सटेंसिवली वर्क्ड इन कोटिंग प्लास्टिक्स, लाइक यू कैन से एन ऑलराउंडर इन दिस एरिया, एंड हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन पिगमेंट जो उस तरह से भी है। सो आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर टिपन्ना। डॉक्टर टिपन्ना, यू कैन शेयर योर स्लाइड्स नाउ। थैंक यू राजेंद्र फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन and talking about the good words about me. I also thank Mr. Manishji for giving this opportunity and giving this platform to share my experience in the pearlescent pigment. And I also thank you all people for attending this video conference. And so today I am going to speak on the pearlescent pigment, and this pearlescent pigment, in short, we can call pearl pigment also, because pearlescent is a big name, and many times we call it a pearl pigment only. Now there is a pearl pigment. If you talk about pearl pigment, there is a three different pigments are there in this, especially pigment: pearl pigment, fluorescent pigment, and phosphorus pigment. So you people know what is the difference between this all these three. Pearl pigment, fluorescent pigment, and phosphorus pigment. Basically, pearl pigment, if you see that the application, most of the times it is used as a shining material. Now, if you see in the cosmetic application, many ladies use this lipstick and nail polish that contains your pearlescent pigment, basically the shining materials. And these are available in some gold and silver color, basically. And if you also see the plastic application, in the plastic, if you see that most of the our household articles, mostly the kitchen, bathrooms, these way articles like bucket or jugs, they are having the shining effect, and that is nothing but having the pearlescent pigment in it. Similarly, for the coating application, it is widely used for making the paints for high performance. Sir, कोई आपने slide अगर share किया तो वो भी share नहीं हुई है. Whereas the fluorescent pigment is the color also daylight pigment, where it is a having the brightening effect. Basically, when a light falls on it, it bright it shines. Basically, that is a fluorescent pigment. As for the phosphorus pigment, it is shining pigment basically. And then if you come to the phosphorus pigment, it glow in the night. Basically, it glow in the night. So today we are talking about the fluorescent fluorescent pigment. And sometimes other day we'll discuss about other pigment also. Now I'm going to start my slides. Please bear with me. Sir, I request you one thing, ki thoda sa layman language mein please rakhein. Haan, chalega, main try karta. Ji, thank you, sir. This is myself. These are some credentials which is already Dr. Rajendra has already spoken about this. Now coming to the some information about the pearlescent pigment. The pearlescent pigment actually it's started by Merck Industry, the German company, and it is still largest company in the world. And if you coming to the India, only one company is manufacturing the pearlescent pigment, and that is having the capacity of about 2,500 metric tons. Otherwise, if you see the Indian market size of the pearlescent pigment is about 8,000 to 10,000 metric ton per annum,
and the rest of this material is imported from the China. The major material is imported from the China, and only one company is manufacturing in India. That is the capacity having the 2,500 metric tons per annum. And if you see the application wise, the pearlescent pigment, the major application is the paint industry and coating industry. Second is the plastic industry. Third is the printing ink industry, and then cosmetic and some other miscellaneous applications are there. Texture is also another application is there of the pearl pigment. The market size in terms of the rupees or in terms of the dollar, it is about $90 million market size in India. So that is a quite substantial market size is there. And most of this pearl pigment is imported from the China, and Merck is another company which is supplying in India. Otherwise, only one company is making in India, that is a pearl pigment. So this is already given. Merck is leading in this. Chinese companies are there. BASF is there. So these are the people who are manufacturing a pearlescent pigment. Now, this pearlescent pigment is a type of effect pigment. So what is the effect pigment, basically? So effect pigment, the effect pigment are those that exhibit the specific effect, because there is always some special effect is there that is observed in this effect pigment, and that gives the substrate to enhance its quality as well as make it more attractive and eye-catching. That's the effect pigments are there. And this effect pigment has a special optical properties, especially the color travel, reflection, refraction, and interference. These are special effect is observed in this thing. Because the complete light properties are there. Now, if you compare a simple pigment, then what happens that in the simple pigment, the light, if you see the first part, first diagram, the light comes, it absorbs, and then it reflects. So there is a complementary color which is observed, which is seen by us. So most of these organic pigments, we see this type of effect, only the absorption and the reflection. In case of metallic pigment, like if you said take the bronze pigment or copper pigment or metal pigment, there only the reflection is there. The light falls and it gets reflected. So if you come to the pearlescent pigment, because of the, there is a many effect like reflection, refraction, because of all these things, there is always a special effect is observed. So, कहने का मतलब ये है कि in case of this simple organic pigment के अंदर क्या होता है कि खाली वहां पर light substrate के ऊपर गिरता है, light absorb होता है, बाद में reflect होता है. तो जो reflect होता है हम देख सकते हैं, जो absorb होता है वो उसका complementary color होता है. बट जब हम कोई जैसे कि जो मेटेलिक कलर है, जैसे कि ब्रॉन्ज है, कॉपर है, गोल्ड है, वो कलर देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है. बट इन केस ऑफ पर्लसन पिगमेंट देयर इज अ रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ऑल थिंग्स हैपेंस टुगेदर, दैट वी कैन सी मोर डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल पिगमेंट एंड द इफेक्ट पिगमेंट. Now coming to this effect pigments are different kinds of effect pigments are there. One is substrates. Coated substrate means, which is I'm going to talk about pearlescent pigment. In this case, a substrate is coated with some other substrate and you get this effect. There is another, but we'll discuss in detail about the pearlescent pigment. There is another called polymer stacks. So this is another cell pigment which is not in the that much common. क्या होता है, फिल्म होते हैं, अलग अलग थिकनेस के फिल्म होते हैं और फिल्म को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द टू डिफरेंट फिल्म्स यू गेट द देयर इज अ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन टेक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गेट द इफेक्ट इन दिस कलर एंड यू सी द इफेक्ट इन द पॉलीमर स्टैक. और ये होता है हेलिकॉन एचसी. ये एक्चुअली क्या होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल द टाइप के. वहां पर बिकॉज ऑफ द लाइट देयर इज अ स्पेशल इफेक्ट इज ऑब्जर्व. तो इसके बाद में मिरर पिगमेंट होते हैं. मिरर पिगमेंट के अंदर ज्यादा करके मेटल पिगमेंट है जो ब्रॉन्ज कॉपर के हैं, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट पिगमेंट्स आर देयर. तो दीज आर द सम स्पेशल इफेक्ट पिगमेंट्स आर देयर. बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओनली अ पर्लसन पिगमेंट, दैट इज द पर्ल पिगमेंट. नाउ कमिंग टू व्हाट एग्जैक्टली द पर्ल पिगमेंट इज देयर. पर्ल पिगमेंट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. वन इज अ सब्सट्रेट. Another, some metal oxide is coated on the substrate. Now, basically, if you see the
the diagram, what do you see? That there is a substrate is there. On the substrate, there is a different layer of the metal oxide is coated. Because of this, what happened that the light falls on that. जब लाइट गिरता है तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होता है और कुछ लाइट रिफ्रेक्ट होता है. बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस यू विल गेट अ रिफ्रेक्शन, मतलब क्या इंटरफेरेंस होता है. बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट इंटरफेयर, वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं. काटने के कारण ही हमको जो स्पेसल इफेक्ट मिलता है. तो पर्लसन पिगमेंट के अंदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द कोटिंग क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट लेवल्स. कहीं नीचे से होता है, कहीं ऊपर से होता है. सबसे रिफ्लेक्शन होने के कारण वहां पर वो इंटरफेयर हो जाते हैं. इंटरफेयर होने के कारण वो कलर क्या हो जाता है, यू कैन गेट द स्पेशल इफेक्ट एंड दैट इज व्हाट द पल इफेक्ट इज देयर. दिस इज हाउ द पल पिगमेंट बिहेव्स बेसिकली. नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पल पिगमेंट. पल पिगमेंट किसे बना होता है, पल पिगमेंट बना होता है सब्सटेंट, एक सब्सटेंट चाहिए उसके अंदर. दीज आर बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑल आर इनऑर्गेनिक मटेरियल. इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है नहीं, सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल है. तो सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट के ऊपर मेटल ऑक्साइड का कोटिंग होता है. सबस्ट्रेट किससे बना होता है, सबस्ट्रेट ज्यादा करके नेचुरल माइका होता है. जो माइका होता है, माइका जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिया बनाती है और इंडिया में निकलता है, माइन से निकलता है माइका, जिसको हम हिंदी में अब्रक बोलते हैं. ये अब्रक जमीन से निकलता है और ग्लास जैसा होता है और वो उसका सबस्ट्रेट है. और उस सबस्ट्रेट के ऊपर मेटल ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं, मेटल ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं. दूसरा सबस्ट्रेट उसके अलावा सिंथेटिक माइका है, जो केमिकली बनाते हैं, जो कलर वाइज स्लाइटली बेटर देन नेचुरल माइका. नेचुरल माइका थोड़ा सा येलोइश चेंज होता है, सिंथेटिक माइका एकदम व्हाइट रहता है. तो जो स्पेशल पल पिगमेंट बनाना है तो उस टाइम पे सिंथेटिक माइका का यूज होता है. फिर बाद में उसके अलावा ग्लास है, ग्लास यूज करते हैं. और उसके बाद में अलूमिना, दैट इज अलूमिनियम ऑक्साइड का फ्लैक्स यूज करते हैं. ये तीन चार टाइप के फ्लैक्स सबस्ट्रेट यूज होता है, लेकिन ज्यादा करके जो यूज होता है वो नेचुरल माइका यूज होता है. नेचुरल माइका यूज होता है, जो नेचुरल माइका जो जमीन से निकलता है, माइन से निकलता है, और इंडिया सबसे ज्यादा इसका सोर्स है. उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल वापस बात करते हैं. नेचुरल माइका, नेचुरल माइका को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश रिजर्व सर्विस द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका इज इट डिस्ट्रिक्ट इन द झारखंड. झारखंड की में पाया जाता है, पहला वो बिहार था, अभी झारखंड है. और वहां पर इसमें सबसे ज्यादा मिलता है, जुमरी तला है मेन सोर्स है वहां पर. 90% इंडिया माइका इज प्रेजेंट इन झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. लेकिन जो पल पिगमेंट में यूज होता है वो झारखंड में या जुमरी तलाई में पाया जाता है, दैट इज उत्तराखंड के, झारखंड के अंदर पाया जाता है. वो एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेनी सिलिकेट, लाइक पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट है. उसका डेंसिटी 2.7 होता है और उसका फॉर्मूला वो है. तो चार टाइप के होते हैं, पर्पल लिकोपाइट और ब्लैक लिविस्टिंग, ब्राउन फ्लोग्राफी एंड मिस्कोवाइट बोलते हैं. मिस्कोवाइट जो होता है वही ज्यादातर के जो होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है. और एक रिक्वायरमेंट है सब्सट्रेट का, द सब्सट्रेट शुड बी ट्रांसपेरेंट. अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ही पल पिगमेंट बनेगा, नहीं तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तो पल पिगमेंट नहीं बनेगा. तो ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, आपका सिंथेटिक माइका भी ट्रांसपेरेंट होता है और नेचुरल माइका भी ट्रांसपेरेंट होता है. तो ट्रांसपेरेंट होना एक उसका एक रिक्वायरमेंट है. तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो एकदम उसका एक लेयर में होना चाहिए, लेमिनेशन में होना चाहिए. जैसे भी इनका लेमिनेशन फॉर्म लेमिनेशन होना चाहिए और लेयर में होना चाहिए, तो उसका रिक्वायरमेंट है. और ये मस्कोवाइट जो माइका का ग्रेड है उसका ये है, उसका कॉन्स्टेंट है. उसके अंदर सोडियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, आयन ऑक्साइड होता है, सभी मिक्सचर होते हैं. एंड दिस इज बिकॉज नेचुरल है, नीचे जमीन से निकाला जाता है, माइन से निकाला जाता है, ये उसका इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली. तो द फर्स्ट थिंग इज सबस्ट्रेट होता है माइका. ज्यादा करके माइका यूज करते हैं और वो भी माइन से निकाला जाता है और झारखंड में पाया जाता है. दूसरा है मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड जो मेटल ऑक्साइड का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, वो मेटल ऑक्साइड जो यूज करते हैं वो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए. और आपको पता है कि टिटेनियम डाइऑक्साइड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. इसके लिए माइका के ऊपर टिटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग करते हैं और इसके कारण उसके पल पिगमेंट बनता है. तो पल पिगमेंट क्या चीज होता है, पल पिगमेंट कुछ यही है कि माइका के ऊपर टिटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग, दैट्स अ पल पिगमेंट. तो दैट्स. और दूसरे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आयन ऑक्साइड है,
टीन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जर्कोनियम ऑक्साइड है, लेकिन जो ज्यादा ज्यादा यूज होता है वो टिटेनियम ऑक्साइड होता है और सम क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड भी होता है. बाकी जो दूसरे जो है वो कम क्वांटिटी में यूज होते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्पेशल इफेक्ट के लिए चाहिए रहता है, टीन ऑक्साइड स्पेशल इफेक्ट के लिए चाहिए रहता है, लेकिन मेजर जो क्वांटिटी है वो टिटेनियम ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड. तो इन शॉर्ट अगर हम पल्प पिगमेंट के बारे में बात करेंगे तो पल्प पिगमेंट क्या होता है कि माइका होता है, माइका के ऊपर टिटेनियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है. तो टिटेनियम ऑक्साइड कोटिंग होता है और कोटिंग उसी जो मेन चीज है उसके अंदर कोटिंग करना ही है कि आप टिटेनियम ऑक्साइड का कोटिंग माइका के ऊपर कैसे करते हैं वो उसका टेक्नोलॉजी है. सर सर माइका का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका? माइका का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसके अराब करीब 1.8 के आसपास रहेगा. सर क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे, अभी आप सेशन कंप्लीट होने दीजिए, इसके बाद में जो भी आपकी क्वेरी आप अपने पेपर पे लिख लें, अभी ये सेशन कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स का जब सेशन आएगा तब आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज. थैंक यू थैंक यू. तो ये तो मेटल ऑक्साइड जो है टिटेनियम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है और टिन ऑक्साइड है. तो जो मेजर क्वांटिटी है टिटेनियम ऑक्साइड का होता है और स्मॉल क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं. नाउ पल्प पिगमेंट बनाने के लिए मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है. सिंपल दूसरे जो ऑर्गेनिक पिगमेंट बनाते हैं ऐसा इतना इजी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व है और बहुत ही हर जगह पे ध्यान देना पड़ता है. या केमिस्ट्री बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए माइका बनाना एक कला है रादर देन केमिस्ट्री. तो सबसे पहला होता है माइका को ग्राइंड करना. जो माइका मिलता है, जो बाजार में माइका मिलता है, जो झारखंड से माइका आता है, आपने देखा होगा झारखंड में जो माइका आता हो आपने कभी वो स्प्रे में देखा होगा या किसी और चीज में इंसुलेशन मटेरियल में देखा होगा, तो एक पतला सा परत रहता है, वो ऐसा फ्लैक्स शीट फॉर्म में आता है. तो शीट फॉर्म में आता है लेकिन वो हायर एप्लीकेशन पे जाता है माइका का वो, लेकिन बाद में उसके जो टुकड़े होते हैं वो फ्लैक्स फॉर्म में रहते हैं. जो टुकड़े आते हैं फ्लैक्स फॉर्म में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के टुकड़े आते हैं, वो फ्लैक्स फॉर्म में रहता है. तो वो माइका हमको लेना पड़ता है और उस माइका को लेके फिर उस माइका को हमको ग्राइंड करना पड़ता है. ग्राइंडिंग करने के दो तरीके हैं, ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग. अगर हम ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं तो वो ग्राइंडिंग एकदम रेंडमली होता है. रेंडमली होने के कारण क्या होता है, उसका जो सरफेस है एकदम रफ सरफेस हो जाता है एंड देन उसके बाद में उसका जो शाइनिंग इफेक्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है. इसके लिए उसका ड्राई ग्राइंडिंग नहीं होता है. ड्राई ग्राइंडिंग क्यों माइका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, वो प्लास्टिक में यूज होता है एज अ फिलर, क्योंकि माइका बहुत ही इंसुलेटिंग मटेरियल है. तो इसके लिए अगर आपको इंसुलेशन बढ़ाना है तो ये और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, तो इसके लिए माइका जब अगर आपको फिलर से यूज करना है तो प्लास्टिक में यूज कर सकते हैं. तो उसको ग्राइंडिंग करते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग सस्ता होता है और वेट ग्राइंडिंग बहुत महंगा होता है, तो इसलिए ग्राइंडिंग करते हैं. तो ड्राई ग्राइंडिंग करके प्लास्टिक में होता है. लेकिन अगर आपको पल्प पिगमेंट बनाना है तो पल्प पिगमेंट बनाना है तो आपको माइका को वेट ग्राइंडिंग करना पड़ता है. वेट ग्राइंडिंग वेट ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, वेट ग्राइंडिंग मतलब होता है कि आपको माइका को पानी के अंदर डाल के वो पानी के सहारे उसको ग्राइंडिंग करना पड़ता है. तो विन प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्राइंडिंग करते हैं तो वो ग्राइंडिंग होता है. वो मेन थिंग ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं इसके अंदर. एक तो उसको डीलेमिनेशन करना. डीलेमिनेशन मतलब होता है कि माइका जो होता है वो लेयर में होता है, तो अलग अलग लेयर क्या होते हैं, तो आपको उसको डीलेमिनेशन करना पड़ता है. तो डीलेमिनेशन करना एक है और सेकंड थिंग उसका साइज कम करना, तो साइज करने का. तो इसके लिए दो इफेक्ट करना पड़ता है, डीलेमिनेशन एंड उसका ग्राइंडिंग, दो साइज कम करना. तो इसके लिए जो ग्राइंडिंग मशीन आता है वो स्पेशल आते हैं. वो सिंपल कोई आपका बॉल मिल या ऐसा बॉल मिल अक्नेटर या फिर आपका डायनो मिल, ये टाइप के मशीन यूज नहीं कर सकते हैं. इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है दो चाहिए, एक तो डीलेमिनेशन दूसरा साइज रिडक्शन. तो ये माइका ग्राइंडिंग. फिर माइका ग्राइंडिंग करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर आता है उसका साइज को सेपरेट करना. बिकॉज हम जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग साइज के माइका मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द सब माइक्रोन टू द 1000 माइक्रॉन्स, अलग अलग साइज के माइक्रोन मिलते हैं. उसके बाद में ग्राइंडिंग करने के बाद माइका के अंदर रेती पाया जाता है, सेंड मिलता रहता है, तो सेंड को भी अलग करना पड़ता है. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर जो ग्राइंड किया माइका को उसको साइज के हिसाब से सेपरेट करना. ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता है. अगर आपको टेक्नोलॉजी इसके बारे में जानना ये है तो आपको मेन इंपॉर्टेंट है पल पिगमेंट बनाने के लिए आपको इसका साइज सेपरेट करना. उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. तो हर एक साइज का मैं आगे डिस्कस करूंगा. पल पिगमेंट अलग अलग ग्रेड में अवेलेबल होते हैं. ग्रेड अवेलेबल होता है उसके साइज के हिसाब से, उसका पार्टिकल साइज क्या है.
तो पार्टिकल साइज को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मशीन अवेलेबल होते हैं, उसके सहारे आप पार्टिकल साइज को अलग कर सकते हैं। और कौन कौन सा पार्टिकल साइज में अलग होता है मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रेंज के अंदर अलग अलग साइज में पार्टिकल साइज को अलग करते हैं। तो ये पार्टिकल साइज को सेपरेट करके माइका को अलग करते हैं, ये फाइन वाला है, ये मिडल वाला है, ये हायर वाला है, ऐसा अलग अलग ग्रेड बना के रखते हैं। उसको बोलते हैं ये जो ग्राइंड किया हुआ और माइका को सेपरेट करके रखा हुआ है इसको बोलते हैं प्रोसेस माइका। माइका को हमने प्रोसेस कर दिया, तो माइका को प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद होता है उसके बाद में कोटिंग आता है, उसके बाद में कोटिंग आता है। तो इसके बाद में जो माइका हमने सेपरेट किया हुआ है वो लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद ये जैसा डायग्राम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर है कि एक रिएक्टर में डालते हैं। रिएक्टर में डालने के बाद एक तरह से मेटल ऑक्साइड डालते हैं, दूसरे साइड से न्यूट्रलाइजर डालते हैं। मतलब मेटल ऑक्साइड मतलब डायरेक्टली हम टिटानियम डाइऑक्साइड नहीं डालते हैं, हम उसका केमिकल डालते हैं जैसे टिटानियम टेट्राक्लोराइड या टिटानियम सल्फेट, क्योंकि टिटानियम डायरेक्टली यहाँ टिटानियम ऑक्साइड बनाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट टिटानियम ऑक्साइड हम यूज नहीं कर सकते हैं, हमको टिटानियम ऑक्साइड बनाना पड़ता है। बनाने का तरीका क्या है कि टिटानियम टेट्राक्लोराइड लेते हैं या टिटानियम सल्फेट लेते हैं। ये दोनों चीज जब हम रिएक्टर में डालते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ऐसे कॉस्टिक से, तो पर्टिकुलर पीएच के अंदर वो क्या हो जाता है टिटानियम डाइऑक्साइड बन जाता है और वो टिटानियम डाइऑक्साइड माइका के ऊपर कोटिंग होता है। तो इसके लिए माइका को पानी में लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के अंदर बाद उसके अंदर हम एक साइड से टिटानियम का केमिकल डालते हैं, दूसरी तरफ से हम उसके अंदर कॉस्टिक सोडा डालते हैं, कॉस्टिक सोडा डालते हैं जिससे पीएच मेंटेन हो। तो ये रिएक्शन ये 80-90 डिग्री पे रिएक्शन करते हैं और उसका पीएच 2 या 3 के बीच में रखते हैं। इस कंडीशन के अंदर इसको रिएक्शन करते हैं और धीरे 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 करके 7-8 घंटे में हमको डालना पड़ता है और डालने के बाद वो कोटिंग होता है। कोटिंग होने के बाद रिएक्शन को हटा के उसको फिल्टर मारते हैं। फिल्टर मारना एक नेक्स्ट स्टेप है, फिल्टर मार के उसको वॉशिंग देते हैं। वॉशिंग देख के सब हटा देते हैं, सब केमिकल अनरिएक्टेड केमिकल सब हटा देते हैं। हटाने के बाद उसको ड्राई करते हैं, तो उसको वॉशिंग करते हैं, फिर उसके बाद में ड्राई करते हैं। तो ड्राई करने के बाद उसको ड्राई करने मतलब जो पानी है उसको हटा देते हैं, 110 डिग्री के आसपास उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद आपको पाउडर मिलता है, लेकिन ये पाउडर मिलने के बाद ये पाउडर फिर अभी पल्प पिगमेंट नहीं बना अभी तक। पल्प पिगमेंट बनाने के लिए उसको हमको फर्नेस के अंदर डाल के उसको इंसिनरेट करना पड़ता है। उसका टेम्परेचर आता है 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर। ये पल्प पिगमेंट जो कोटेड मेटल ऑक्साइड बन गया उसको हम फर्नेस में डालते हैं। फर्नेस में डाल के उसको 800 से 900 डिग्री के अंदर उसको गर्म करते हैं, 1 घंटे के आसपास रखते हैं और उसके बाद में उसको ठंडा करते हैं, तभी वो पल्प पिगमेंट बनता है। तो इस प्रकार से फिर बाद में पल्प पिगमेंट बनने के बाद अलग अलग ग्रे अलग अलग बैच के मटेरियल को ब्लेंड करके यूनिफॉर्म मटेरियल बनाते हैं। तो ये सब स्टेप्स इन्वॉल्व है, माइका ग्राइंडिंग करना, उसको बाद में सेपरेट करना, इसके बाद में कोटिंग करना, उसके बाद में फिल्टर मारना, उसके बाद में वॉशिंग देना, फिर ड्राइंग करना, फिर उसके बाद में उसके क्या बोलते हैं उसको इंसिनरेट करना, फिर ब्लेंडिंग करना, ये सब ये। तो ये एक मैंने खाली एक डायग्राम बताया है रिएक्टर में क्या होता है। एक रिएक्टर के अंदर मटेरियल को लेते हैं, माइका को लेते हैं, पानी को लेते हैं और उसके अंदर बाद में टिटानियम का सोल्यूशन डालते हैं और टिटानियम का सोल्यूशन डाल के उसका पीएच मेंटेन करके रिएक्शन करते हैं। ये 7-8 घंटे का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन क्या होता है इसके अंदर कि टिटानियम टेट्राक्लोराइड हमने लिया है तो कॉस्टिक के साथ में रिएक्ट करके टिटानियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो क्या बनाता है? टिटानियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और टिटानियम हाइड्रोक्साइड को जब हम फर्नेस में लेके जाते हैं तो टिटानियम डाइऑक्साइड बनता है। तो ये सेम प्रोसीजर आपका रूटाइल ग्रे का टिटानियम डाइऑक्साइड बनाने जाएंगे तो ये सेम प्रोसीजर होता है। जो दूसरे लोग जो बनाते हैं टिटानियम डाइऑक्साइड वो इसी प्रकार से बनाते हैं। अगर रूटाइल बनाना है तो टिटानियम टेट्राक्लोराइड लेने का, उसके अंदर NaOH डालने का और उसका पीएच मेंटेन करने का, तो टिटानियम डाइऑक्साइड बन गया। और उसके बाद में उसको फर्नेस के अंदर लेके जाएंगे 700-800 डिग्री के अंदर, तो आपको टिटानियम डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर टिटानियम सल्फेट लिया तो आपका एनाटाइज ग्रेड बनता है और क्लोराइड लिया तो आपका रूटाइल ग्रेड बनता है। तो रूटाइल ग्रेड बनाना और एनाटाइज ग्रेड बनाना ये दोनों डिपेंड करता है आपने टिटानियम टेट्राक्लोराइड लिया है, टिटानियम सल्फेट लिया है। तो ये टिटानियम ऑक्साइड बनाने का रिएक्शन है, जो सेम प्रोसीजर पल में भी होता है और सेम प्रोसीजर आपका टिटानियम डाइऑक्साइड पिगमेंट जब बनाते हैं उस टाइम पे भी होता है, जो पेंट में यूज होता है टिटानियम डाइऑक्साइड पिगमेंट वो ये। सेकेंड है, अगर आपको दूसरा कुछ करना है टिटानियम डाइऑक्साइड से दूसरा कुछ मेटल ऑक्साइड कोटिंग करना है जैसा आयन का करना है, तो आयन सल्फेट को लेते हैं, वो भी वापस वहाँ पे न्यूट्रलाइज होता है
फिर बाद में आयन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर आयन हाइड्रोक्साइड को बाद में फर्नेस के अंदर डालते तो आयन ऑक्साइड बनता है, फिर बाद में इसमें फेरस सल्फेट भी यूज होता है और फेरिक क्लोराइड भी यूज होता है, दोनों केमिकल यूज होता है और इस प्रकार से आपको ये आयन ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है। तो आपको टिटन वैक्स कोटिंग हुआ, आयन ऑक्साइड का कोटिंग हुआ। तो बेसिकली जो मेजर ग्रेड बनते हैं वो दो ही चीज से बनते हैं, एक टिटन ऑक्साइड से बनता है, दूसरा तुम्हारा आयन आयन से बनता है, आयन ऑक्साइड से बनता है। तो नाउ ये एक फर्नेस का एक डायग्राम है, ये कंटिन्यू फर्नेस होता है, मटेरियल एक तरफ से पाउडर डालते हैं, बाद में हीट होके इसका टेम्परेचर रखा जाता है, टेम्परेचर 500, 600, 700, 800, 900, 800, 900 तक रखा जाता है। तो मटेरियल डालते हैं तो धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसको बाहर निकलता है तो कंप्लीटली इंसिडेंट होके निकलता है। तो इंसिडेंट में ज्यादा क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड जो बना रहता है उसको उसका हम ऑक्साइड बना देते हैं। तो जो टिटेनियम हाइड्रोक्साइड है उसको टिटेनियम ऑक्साइड बनाने के लिए फर्नेस का यूज होता है और सेम प्रोसीजर आपका टिटेनियम ऑक्साइड बनाने में भी यूज होता है। ये आपका इंसिनरेटर है जिसके लिए, तो इंसिनरेटर में ज्यादा करके हाई टेम्परेचर यूज करने का मतलब क्या है कि उसका ऑक्साइड बनाना। टिटेनियम के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए लेकिन आपका फेरस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। तो फेरस के अंदर 300-350 टेम्परेचर में काम हो जाता है लेकिन आपका टिटेनियम में आपको 700-900 के बीच में टेम्परेचर रखना पड़ता है और उसका जो टाइम है उसका टाइम है 1-2 घंटे के बीच में टाइम रखना पड़ता है। ना मैं बता रहा था आपको कि फ्लोरेसेंट पिगमेंट बनाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इतना इजी नहीं है, बिकॉज ये क्या यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो कोटिंग करना और बाद में कितना लेयर कोटिंग करना, कैसा करना, ये सब टोटली डिपेंड करता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो इसके लिए ये एक चैलेंज है, एक इतना इजी नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे तो आपको ज्यादा लोग फ्लोरेसेंट पिगमेंट बनाने वाले नहीं मिलेंगे और बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व है, कि 6-7 स्टेप इन्वॉल्व है। तो इसलिए आपको फ्लोरेसेंट पिगमेंट बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे और इसके अंदर कंसिस्टेंसी आना बहुत ही क्रिटिकल है। बिकॉज कहाँ पर आपका माइका कौन सा यूज कर रहे हो, इसके बाद में उसमें ग्राइंडिंग करने के बाद आपने ग्राइंडिंग बराबर किया है कि नहीं किया, अगर ग्राइंडिंग बराबर किया है तो आपने सेपरेशन बराबर किया कि नहीं किया, अगर सेपरेशन बराबर हुआ है तो आपने कोटिंग बराबर किया कि नहीं किया, अगर कोटिंग बराबर हुआ है तो आपने फर्नेस के अंदर उसको बराबर उसको इंसिडेंट किया कि नहीं किया, इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो आदमी कहीं ना कहीं गलती कर देता है, अगर आपका सिस्टम अगर फुल फ्लेज ऑटोमाइज नहीं हो तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। Coating metal oxide on substrate require a thickness is hard basically, it's hard. आपको अलग अलग कोटिंग का थिकनेस में आगे बात करूंगा, अलग अलग कोटिंग का थिकनेस बनाना है तो वो आपको इसके अंदर पूरा आर्ट है, आपका पूरा ये आर्ट है rather than is chemistry. और सेकेंड थिंग जो माइका का है, माइका का लेना और प्रॉपर माइका का लेना, उसका ग्राइंडिंग करना, उसका aspect ratio maintain करना, aspect मतलब diameter to length to diameter ratio maintain करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थिकनेस मेंटेन करना ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो दैट्स अ चैलेंजिंग बेसिकली। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेड्स। ग्रेड कैसे होते हैं, पल्प पिगमेंट के ग्रेड कौन कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे तो कलर वाइज सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ब्रॉन्ज होता है, कॉपर होता है और वाइन रेड होता है। ये चार मेजर कलर है, बाकी मिक्स करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, कॉपर है और वाइन रेड है। सिल्वर, अब इसको लेते हैं तो सिल्वर मतलब क्या है कि इसके अंदर माइका को लेते हैं, माइका के अंदर सब जस्ट टिटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग करते हैं तो आपको सिल्वर कलर मिलता है। तो अगर आप माइका लिया, आपने माइका के ऊपर सिल्वर टिटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग किया, इट्स रिक्वायर्ड थिकनेस, तो थिकनेस उसका 30% तक होना चाहिए, 70% माइका, 30% टिटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए। तो अगर 30% तक आप कुछ कोटिंग करते हैं तो आपको सिल्वर कलर मिलता है, तो सिल्वर कलर। उसके अंदर भी एनाटे जो रूटाइल ग्रेड बनाना है तो दो अलग अलग ग्रेड बनते हैं। तो अगर आप माइका को पहले 3 से कोटिंग करते हैं, बाद में टिटेनियम डाइऑक्साइड से कोटिंग करते हैं तो आपको उसमें एनाटाइज ग्रेड मिलता है। अगर डायरेक्टली आप टिटेनियम डाइऑक्साइड को कोटिंग करते हैं तो आपको रूटाइल ग्रेड मिलता है। तो अगर एनाटाइज ग्रेड और रूटाइल ग्रेड बनाना है तो भी आप बना सकते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द टिन ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड। बाकी उसी सिल्वर के अंदर अलग अलग ग्रेड होते हैं, वो ग्रेड होते हैं पार्टिकल साइज। मैं बता रहा था आपको कि पार्टिकल साइज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ग्राइंडिंग के टाइम पे, ग्राइंडिंग होने के बाद वो माइका को सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब माइका को सेपरेट करते हैं
तो हमको एटलीस्ट 5-6 अलग अलग ग्रेड के माइका मिलते हैं, उसमें से सबसे जो फाइन रहता है उसका माइक्रोन साइज लेस देन 11 माइक्रोन रहता है, जो सबसे फाइन रहता है उसका माइक्रोन जो ये है पार्टिकल साइज लेस देन 11 माइक्रोन रहता है। फिर उसके बाद में 5 और 5.25 के बीच में आता है, दूसरा ग्रेड है 5 to 25 ग्रेड आता है, और जो तीसरा जो स्टैंडर्ड है वो 10 to 60 है। तो जितने भी पल्प पिगमेंट आप यूज करते हैं ज्यादा अगर के वो 10 to 60 के बीच वाला पल्प पिगमेंट होता है, उसका जो पार्टिकल साइज रेंज है 10 to 60 है, मतलब बहुत बड़ा रेंज है। आप अगर कोई दूसरा पिगमेंट लेंगे तो आपका पार्टिकल साइज मिलेगा 5 माइक्रोन 6 माइक्रोन 3 माइक्रोन, लेकिन पल्प पिगमेंट में आप देखेंगे तो उसका रेंज कितना बड़ा है, 10 to 60 माइक्रोन, तो इतना बड़ा रेंज है। तो ये स्टैंडर्ड ग्रेड है जो ज्यादा करके जो है 10 to 100 वाला, 10 to 60 वाला, बाद में आता है 10 to 100 ग्रेड्स, 10 to 100। तो उसका नाम भी ऐसा है कि अल्ट्रा फाइन, फाइन, स्टैंडर्ड, स्पार्कलर, ग्लिटर एंड अनदर ग्लिटर एंड सुपर ग्लिटर, मतलब बेसिकली ये पार्टिकल साइज बढ़ते जा रहा है, लेस देन 11 माइक्रोन, 5 to 25 माइक्रोन, 10 to 60 माइक्रोन, 10 to 100 माइक्रोन, 20 to 200 माइक्रोन एंड 100 to 400 माइक्रोन, 100 to 700 माइक्रोन। ये ज्यादा करके जो ग्लिटर है वो टेक्सटाइल में यूज होता है, क्योंकि शाइनिंग जैसा, देरी जैसा यूज होता है ग्लिटर टेक्सटाइल में यूज होता है, एंड इवन 10 to 100 वाला भी ज्यादा करके टेक्सटाइल में होता है, लेकिन इट कैन बी यूज इन पेंट ऑल्सो, इट कैन बी यूज इन प्लास्टिक ऑल्सो, बट ज्यादा करके जो 5 to 25 माइक्रोन एंड 10 to 60 माइक्रोन ये सब जगह यूज होता है, एंड चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, सब जगह यूज होता है। ये पार्टिकल साइज के बारे में देख मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, ये डायग्राम, ये डायग्राम में देखिए ऊपर देखेंगे तो फाइन पार्टिकल है लेस देन 11 माइक्रोन, एक्चुअली 15 वो ठीक है 11 माइक्रोन, दूसरा 5 to 25 माइक्रोन, तीसरा 10 to 60 माइक्रोन, 10 to 100 माइक्रोन, 20 to 200 माइक्रोन और 50 to 100 माइक्रोन। देखिए आप साइज वाइज देखिएगा सबका साइज बढ़ते जाता है, तो फाइन है बाद में बढ़ते बढ़ते ये माइक्रो का साइज है, और उसके हिसाब से आप देखेंगे जब साइज बढ़ता है तो उसका जो शाइनिंग इफेक्ट है, स्पार्कलिंग इफेक्ट है, इंक्रीज होता है। तो आप अगर 11 माइक्रोन का मटेरियल लेंगे तो आपको शाइनिंग नहीं मिलेगा, उसके शाइनिंग कम मिलेगा, लेकिन लेकिन अगर आप 700 का माइक्रोन लेंगे तो आपको ज्यादा शाइनिंग मिलेगा, लेकिन सोचेंगे आपको 700 माइक्रोन यूज करना चाहिए, लेकिन 700 माइक्रोन यूज करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ भी हाइडिंग नहीं मिलेगा, उसका हाइडिंग पावर बहुत ही कम रहेगा, ऑपेसिटी बहुत ही कम रहेगा, और ओपेसिटी कहां पर मिलेगा, लेस देन 11 माइक्रोन में मिलेगा। तो ओपेसिटी फाइन में ज्यादा रहता है और स्पार्कल में और बिगर साइज में कम रहता है, और स्पार्कलिंग इफेक्ट जो रहता है, शाइनिंग इफेक्ट जो रहता है वो फाइन में कम रहता है और आपका बिगर कोर्स पार्टिकल साइज में वो ज्यादा होता है। तो इसके लिए ज्यादा करके हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा करके जो ग्रेड जो कॉमर्शियली एक्सेप्टेबल ग्रेड है 10 to 60 माइक्रोन का है, ये 10 to 60 माइक्रोन का ही पल माइका ग्रेड यूज होता है पल पिगमेंट बनाने में। तो ये जो दोनों है, दोनों प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो ओपेसिटी, दूसरा उसका स्पार्कलिंग इफेक्ट। तो स्पार्कलिंग इफेक्ट चाहिए तो आपको हायर पार्टिकल साइज यूज करना पड़ेगा, और आपको ओपेसिटी चाहिए तो आपको लोअर पार्टिकल साइज यूज करना पड़ेगा। तो ये सिल्वर के अंदर इतने ग्रेड होते हैं, एंड ये कमिंग टू द गोल्ड, गोल्ड अगर आपको बनाना है, गोल्ड कलर का पल्सेंट पिगमेंट बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सिल्वर का कोटिंग करना पड़ता है एक सर्टेन लेवल पर, सिल्वर का कोटिंग करने मतलब पिटन डाइऑक्साइड कोटिंग करना पड़ता है एक सर्टेन लेवल तक, उसका पिटन डाइऑक्साइड कोटिंग होने के बाद उसी के अंदर फिर आप आयन ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। सिल्वर के ऊपर अगर आयन ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं तो आपको गोल्ड कलर मिलता है, आपको गोल्ड कलर मिलता है। तो ये गोल्ड कलर जो होता है, गोल्ड कलर बनता कैसे है, टिटैन डाइऑक्साइड को कोटिंग करना पड़ता है, उसके ऊपर आप फिर आयन ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं, ये दोनों कोटिंग करेंगे तो यू विल गेट द गोल्ड कलर। नाउ कमिंग टू द ब्रॉन्ज, नाउ इफ यू वांट टू मेक ब्रॉन्ज कलर, द ब्रॉन्ज कलर्स आर मेड प्योरली फ्रॉम द आयन ऑक्साइड, दिस इज मेड फ्रॉम द आयन ऑक्साइड। तो व्हेन माइका इज कोटेड विद आयन सल्फेट और आयन क्लोराइड विद हेल्प ऑफ द कॉस्टिक एज न्यूट्रलाइजर, then you will get the bronze color basically. So if you want to have a bronze color, then you have to use iron oxide alone. There is no titanium dioxide. So bronze color does not contain any titanium dioxide. Now coming to the copper. Now copper is obtained from the same bronze if you coat more
iron oxide. If you want to coat more iron oxide, you'll get a copper color. And similarly, if you want to make the wine red color, then you have to coat more iron oxide. So this gold, bronze, and wine bronze, copper, and wine red, they are obtained from the iron oxide only. And this is only what the thickness of the iron oxide varies from the bronze to the wine red. So in the next diagram, I can show you. See this. Here, if you see, if the thickness is small, less, that means the less iron oxide is coated, then you can get the bronze color. If the thickness of the iron oxide increase, then you can get the copper color. If you increase the further thickness of the iron oxide, then you can get the wine red color. The process seems very easy, but it is not that much easy. Now, if you want to make any thickness of the iron oxide, if you want to increase, then the coating has to be done on the substrate. It's most of the times what happens that if the substrate is not, the iron oxide is formed separately and the substrate is not absorbed by that iron oxide. And ultimately what you get, you'll get the one side mica, another side iron oxide. And because of that, what will happen, you'll not get any shining. So while making the treatment of the coating of the pigment is mica is a very tricky job. It's not that much easy. Most of the times you end up with that titanium dioxide or iron oxide forms separately and mica remains separately. And ultimately you don't get any effect in that. Mica, just to filter it, you'll get mica separately and iron oxide separately or titanium dioxide separately. Therefore, the coating is not that much easy. It's a art, it's a physical chemistry. And when you want to increase thickness, it becomes very difficult. And ultimately, the shining, you have to maintain the shining, you have to maintain the thickness also. Therefore, it's a very critical and important steps in increasing the thickness. So basically, the bronze is obtained when you coat iron oxide of the certain thickness. And then when you coat iron oxide in excess for thickness, then you get the copper. And if you further coat that, the same thing, then you get the wine red color. So these are the three different colors you can get from the iron oxide, that is bronze, copper, and wine red, where the gold is a combination of titanium oxide and iron oxide. So these are the majorly used pulp pigment. And besides that, there is another called interference color and two-tone colors. Now coming to that, interference color or two-tone color. Now here in this case, what happened that if you see a pulp pigment in one angle, you will get the silver color. If you see the same pulp pigment from another angle, you will get another color. So in the same pulp pigment, you get the two different color, and that's why it's called two-tone pulp pigment. They are called two-tone pulp pigment or interference colors or iridescence color. These are the name given to this fluorescent pigment having the two different colors. Now why it happens? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो इसलिए होता है कि जब आयन ऑक्साइड जब माइका के ऊपर हम टिटैनियम डाइऑक्साइड कोटिंग करते हैं तो जो पहला कलर बनता है सिल्वर कलर बनता है. जो पहला कलर बनता है सिल्वर कलर बनता है. तो अप टू थिकनेस 30% ऑफ टिटैनियम डाइऑक्साइड यू विल गेट द सिल्वर कलर. एंड देन द सेम माइका इज कोटेड विद एक्सेस ऑफ titanium dioxide, like as you seen in the copper bronze and wine red. So yahan par agar aap zyada aur thickness badhate hain to aapko gold color milta hai. Gold color matlab yellow color milta hai, lekin gold nahi dikhta hai, wo transparent gold dikhta hai. Agar aapko pure gold banana hai to aapko iron oxide use karna padta hai, lekin jo color hai dusre second angle mein aapko gold se fill hota hai. And in general we can say it is a yellow color, not gold, yellow color. So you, if you increase the thickness, you can get the yellow color. Now if you increase the further thickness, you can get red color. You can get red color. Further increase the thickness, you can get violet color. That is missing here, violet color. Further increase the thickness, you will get blue color. And further increase the thickness, you will get green color. Once again, if you increase the thickness, the cycle will repeat. You will get silver, yellow, red, blue, and this thing. So if it goes on increase thickness, this cycle goes on increasing, repeating. The first will be silver, second will be yellow, third will be red, then violet, then blue, and then green. So basically,
these are two tones. Two tones means basically, if I talk about red color, if in one angle it will be in silver color, and second angle it will be in the red silver color. Basically, red having the silver effect. So like that way. So these are the two tones color, and these are obtained from the same silver color pigment by excess coating with titanium dioxide. If you coat excess of titanium dioxide, then you'll get this. So the making this is very difficult, because as the thickness increases, coating becomes difficult, and most of the times there is a precipitation of the Ta2. Ta2 precipitate ho jata hai, separate ho jata hai. Separate hone kaan, aapko jo pearl effect hai, wo nahi milta hai. Iske liye, usko coat karna bahut important hota hai. Iske iska jo price hai, jo two tones ka price hai, bahut jyada hota hai. 1000 ke aaspaas rehta hai sabhi two tones ke. And jab thickness badhta hai, uska price badhte jata hai. Silver sabse sasta hai. Aur suppose uske aage mehenga hai. To ye aapka particle size thickness coating ka effect hai, to aapko interference color milta hai. To ye sab grade hai basically. Inter two tone grade, जिसके अंदर ये पांच छह कलर आ जाते हैं. सिल्वर है, येलो है, येलो मीन्स गोल्ड, बाद में रेड है, बाद में वायलेट है, बाद में ब्लू है, फिर ग्रीन है. ये टू टोन्स के अंदर कलर है बाद में. और बाद में ये ब्रॉन्ज, कॉपर एंड वाइन रेड है, ये भी है. फिर इसके अंदर भी पार्टिकल साइज के थोड़े ग्रेड आएंगे. पार्टिकल साइज अगर समझो 10 to 60 का यूज कर रहे हैं तो ये ग्रेड है. फिर बाद में अगर आप 10 to 100 यूज कर रहे हैं तो आपको आपको ये मिलेंगे, स्पार्कल ग्रेड का मिलेंगे. तो इस प्रकार से सभी कलर में अलग अलग पार्टिकल साइज के भी मिलते हैं. तो अगर माइका का आप साइज चेंज करेंगे तो आपको अलग अलग ग्रेड मिलेंगे. लेकिन वाइडली यूज इन दी गोल्ड एंड दिस ब्रॉन्ज कलर एज वेल एज टू टोन कलर, दे आर इन दी 10 to 60 माइक्रोन. एंड इन केस ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर एंड वाइन रेड, दे आर यूजिंग सम 10 to 100 ऑल्सो. But otherwise, it is a 10 to 60 micron material is used in most of the base color. So 10 to 60 is the widely used particle size range, and others are used for specific application. When you want to have a very good adding power, then you can go for the 525 or less than 11. But when you want to use a very good sparkling or shining effect, then go for 10 to 60 or even 10 to 100. But sometimes you want to have a hiding also and shining also, then you would use a blend of 5 to 25 and then blend 10 to 60. Most of the plastic applications, they use 5 to 25 and 10 to 60. In cosmetic application, 5 to 25 and 10 to 60. So these are the particle size range and the color range. So pearl pigments are available in the different particle size also and different color also. There are number of grades are available based on the particle size. But I have given few of particle size, but there is another particle size range will be there. Another range will be there. So there are mostly used. These are the grades of pearlescent pigment. So this is about the pearl pigment, how it look like, how it is made up of, what are the raw materials, and what are the ingredients used, and how it is manufactured, what are the steps involved, what are the grades. What are the grades, how the particle size play important role in the application, like that. Now, one more thing is that pearl pigment, this need not to be grinded when it used in the end applications. Basically, pearl pigment is already there in the fine particle size, in the particle size. So suppose I say 10 to 16, though 10 to 60 particle size is there, you have to just disperse it. So whenever any application you are using, whether ink or plastic or paint, or anything, then just it has to be dispersed. Whether in textile application, in the textile printing, you just disperse it in the system. Whether water-based system, solvent-based system, in water system is there, you have to disperse it. Now, this pearl pigment is get affected if you are dispersing it vigorously. So the dispersion should not be vigorous. It should be gentle, because the substrate, it's coated with the metal oxide, get disturbed if it is not coated properly. It's not mixed properly. Now, suppose you want to use very high speed, then the coating may comes out and then the shining may decrease. Therefore, you have to mix very gently, and it does not require high effort because it is in fine particle size only. So they are not agglomerating. They are not this thing. Once they are coated, they are not agglomerating. They are in the fine particle only. Just put in the water and mix it. You will get dispersed. So therefore, while using pigment, pearl pigment in any application, should not be mixed vigorously. If you are mixing vigorously, that means you are harming the pigment.
you're running the pigment. Okay, so that's now coming to the, as I said, the these pearlescent pigments are used in coating industries, paint, and whether it is a waterproof paint, whether it is a powder coating, whether it is a solventless systems, it is used mostly. It is the high performance application of this pulp pigment is in the automotive coatings, because if you see the high range of automotive industry, then this is, they are using the pulp pigment. The pulp pigment is in the high range applications. They are widely used in plastic application for the signing effect, and that too in the routine commodity plastic, not commodity plastics, especially LDP, SDP, polypropylene, ABS, so that is there. And it is also used to make the paper coating, and paper are coated with the pearlescent pigment. And textile printing, most of the clothes are printed with the textiles by using this pulp pigment. Gold, silver, these are the color widely used. The pulp pigment is also used in the leather and the cosmetic, many. If you see the application, you will not find any single lipstick without pulp pigment. You will not find any single nail polish without pulp pigment. So pulp pigments are there. So pulp pigment is also used in ceramic applications, ceramic industry. So in plastic, if you see the polystyrene, polypropylene, polyethylene, PVC, acrylic, styrene, block, silicones, all these plastics are used, this pearlescent pigment. It also possible to use apparent for pearlescent effect and luster polymer having the little or no transparency. So some plastic like which are not transparent, like ABS or HIPS, there also it can be used. Pearlescent also used in the other mixed color. Like if you mix with the yellow, blue color, red color, so combination also it is used, because to get the special effect, one side you'll get the silver effect, shining effect, and other side you'll get the color effect. The combination is widely used in plastic also, in paint also, ink also, and cosmetic also. Pearlescent pigment used in paint industry, as I said, especially in automotive industry and high performance automotive. The most important thing in the pulp pigment is that you have to use special grade to use in paint industry, because it requires a good weather resistance. To make a weather resistant pearlescent pigment, additionally, whatever you do, coat with the metal oxide like titanium oxide, you have to coat with the other chemicals like silicon oxide or silicon dioxide or aluminum oxide or zirconium oxide. So these are the other chemical oxides are coated in a small quantity to have a special weather resistance effect. Therefore, if you see in the paint application, you will not be see the same pearlescent pigment is used in the plastic application or textile application, because they require a very good weather resistance, because they are used for the high end applications like automotive industry. So therefore, their weather resistance should be very good. Sunlight resistance, light resistance should be very good. So to have this, their pulp pigment used should be a modified one, and to this modification is done by after coating silver titanium dioxide, it is coated with other metal oxide like silicon oxide, aluminum oxide, zirconium oxide. So these are the other metal oxide which are coated, and because of this coating, the coating thickness is very small. It is just a micron layer thickness, one micron, 2 micron layer thickness, just to protect the inner layer to exposure to the outside. So that is how you can get the weather resistance pearlescent pigment, which is used especially for the this paint application for the high performance. Pearlescents are used in the decorative paints also. You can see most of the decorative paints, or even the your Ganpati Ganpati painting, all these things, they use the pulp pigment. And decorative application is major, because this is a signing effect. So most of the applications are decorative, or the one which want to catch the your eye. So this is the in short about the pearlescent pigment. And if you see the pearlescent pigment, so it is entirely different from the organic pigment.
the organic pigments having the simple absorption and the reflection, but in the case of pulp pigment, we will be having the many light effects. That is, a reflection is there, refraction is there, absorption is there, and the interference is also there. So because of that, we'll get effect. And this inorganic pigment, it is having the major source is a mineral, that is a mica, and India is the major source of mica because worldwide India is exported. The pearlescent project is very viable in India because the 70% of the pulp pigment is nothing but mica, and only 30% is the metal oxide. And metal oxide is titanium dioxide, and titanium dioxide is available worldwide. Or titanium, the raw material is like the South company who is manufacturing the raw material for the titanium dioxide. So that is there, and the mica is Indian source. So it is exported to Germany, it is exported to China. So all other people are taking this mica from India, making pulp pigment, and re-exporting to India this pulp pigment. Because out of the 10,000 metric ton of the pulp pigment, only 2,000 metric ton pulp pigment is made by India. Remaining 8,000 metric ton pulp pigment is imported from the China. So, and second thing, it is a feasible project. Basically, it's a very feasible project, very economical, and because cost effective, it can be bid in China anytime. You can bid the China in time, whether the cost is concerned. Therefore, it's a very feasible project. Anybody interested, he can be ready to implement this project. Now, this I end my presentation on the pulp pigment. And I thank everybody, Rajendra, Mr. Manish, as well as my other friends who attended this video conference. And thank you very much for all this. So if you have any doubt, any questions, let me know. And I'm ready to answer the questions. Thank you, Doctor. Dr. Tipanna, really obliged. And this is a very effective and important lecture by you. And paint industry need these kind of lectures. Abhi hum question answers lenge, and people are raising their hands. One by one, main sabke paas aa raha hun. Give me 1 minute. Pehle sabse pehle Ravi Jujodia ji hai. मैं उनका क्वेश्चन लेने वाला हूं। जी रवि जी बोलिए सर। जी सर, मैं रवि जाजोदिया कलकत्ता से, हिंदुस्तान कंपनी। सर आपने सिंथेटिक माइका का पार्ट टच नहीं किया सर, वो कैसे बनता है और हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम वन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल माइका। बेसिकली सिंथेटिक माइका, बिकॉज़ यू कैन सी द कंपोजिशन ऑफ द सिंथेटिक माइका, इज द पोटेशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट एंड एल्युमिनियम सिलिकेट। So this, all these silicates are combined together in the proper ratio, and then we can make the synthetic mica. And China is the major country which makes the synthetic mica in the world. And the difference between the synthetic mica and the natural mica is that the color, basically synthetic mica is a clean and very transparent material, whereas a natural mica contains a lot of contamination. Because what happened that this natural mica is having the coating of somewhere the iron oxide, because it is coming from the mines. So some iron oxide is also present on the mica, and because of that we will always have a reddish tone on the this natural mica, and that is not there in the case of synthetic mica. And because of that, what we can get a very clean and white pearlescent pigment if you want to make. Then because what happened that when you paint or coat this pearlescent pigment in one particular angle, you can get the silver effect, but on another angle you can get the mica effect basically. So when there is no shining, then you can get a yellowish tinge is seen in that. If suppose that yellowish tinge is there, then it does not look good. So that, to avoid that, you have to use the synthetic mica, but that is very costly, and a special application is only used for that, because it is not even the bulk application. Sir, one more question, sir. You said that to produce this bronze color, you have to add iron oxide in the gold. So, can we, by adding iron oxide paste, red oxide paste in gold, we can arrive at the color of bronze or red wine or copper? See, to make the bronze color,
Hello. Yeah. To make the bronze color, you use iron oxide. Means you are not using iron oxide. You are not using iron oxide. You are taking mica, and you are taking iron chloride or iron sulfate. That is ferrous sulfate or ferric chloride, and then iron oxide is created on the substrate. Okay. You iron oxide substrate, and then that go that substrate is coated with the iron oxide. Suppose you add additional outside of the iron oxide in the mica or any other thing, you won't get any pearlescent effect. You'll ruin the system basically. There is nothing will be seen. You'll get any result from that. Okay, thank you. Second question I'm taking from Mr. Jayesh Solanki, sir. Jayesh ji, unmute kijiye aur bataiye. Sir ji, namaskar. Hello. नमस्कार जी 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 आपकी लास्ट जो मतलब स्लाइड थी उसके अंदर सिरेमिक के एप्लीकेशन के लिए आपने कुछ बताया नहीं प्लीज जरा बोलेंगे नहीं बिकॉज़ पल पिगमेंट क्या है पल पिगमेंट इज अवेलेबल सिल्वर कलर गोल्ड कलर और आप चाहे तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि पल पिगमेंट 800 डिग्री तक स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर और सिरेमिक मैं वही बोल रहा हूँ Excuse me, मैं वही बोल रहा हूँ कि सिरेमिक के अंदर 1100 से लेके 1200 तक जाता है। हाँ, तो पल पिगमेंट कैन गो अप टू 1200 डिग्री, नो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, गुड, या, ठीक है। For that, sir, you need to use it in two fire systems for ceramics. ओके, ओके, सो पहले उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब हायर टेम्परेचर पे फिर उसके बाद में लोअर पे 800 पे। Correct, Two fire. Okay, I understand. Or that is in available. It is in paste form or powder form. Powder form. Hello. Powder form. Pearlescent pigment. I got powder it. Form. Okay. Yeah. Pearl pigment जितने भी होते हैं सब powder form में होते हैं. अच्छा मैं next question ले रहा हूँ sir. शुभम चंदोग जी का. चंदर. शुभम जी unmute कीजिए sir. Hello. सूर्य प्रकाश जी आ रहा हूँ आपके पास. हेलो इनके बाद आ रहा हूँ सर मेरी आवाज की बात आ रही है शुभम जी बोलिए हाँ सर एक चीज आपने बताई कि हमारा जो डिस्पर्जन प्रोसेस अगर ज्यादा विग्रेस होगा तो ये हमारा जो माइका कोटेड है टिटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड है माइका पे ये डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम अपना हेलो बराबर आप बोल रहे हेलो हाँ करेक्ट हाँ तो सर ये हमारा क्या क्या साइन है क्या क्या साइन है कि हमारा सिस्टम में जो अभी हमारा पर्लसेंट पिगमेंट हमने डाला और बाय चांस विग्रेस हो गया तो क्या साइन रहेगा कि हमारा ये कैसे पता लगे कि हो गया है कि नहीं हेलो हेलो पूछ रहे हैं कि क्या साइन रहेगा कि हमें डॉक्टर हाउ टू कंफर्म दैट द पिगमेंट डिस्पर्शन इज परफेक्ट लाइक इफ इट इज टू विग्रेस इट शुड नॉट बिकम बैड दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग एग्जैक्टली Dr. Tipana, can you hear? No. He's trying to ask ki, what should be the if it what happens if the stirring is more vigorous? Does it will it disturb? And how to confirm that what effect he has got in his paint is perfect or not of pearl pigment? Yes, exactly. Basically, if suppose you mix. At the range of about less than about 300-400 RPM mixing, it won't disturb. Basically, vigorously, basically, suppose you are mixing at 1400 RPM and for longer time, unless you are mixing it longer time, then don't get disturbed. Because if you mix, because that requires very less effort to disperse, because these are very fine particles, effort is required very less. So you have to use a minimum RPM and then this thing. And you can just test by. Taking the, you can mix it with vigorous and you can mix it without with the vigorous and take the print out. Draw it out. And then see that which is having the gloss will be seen. The one which is having the disturb will have the less gloss. And is the mixing process different with different resin, doctor? No. That is the only dispersing and requirement will differ. Okay. Sir, one more question. Do we need to wash solvent wash? Do we need to solvent wash the pearlescent pigments? Is there a need to wash the pigments before use?
No, no need. Okay, so despite of all the heating that you have done, there is no requirement of washing. Yes, there is no required because there is no any organic metal is there. There is purely inorganic metals are there. If you are washing with solvent, nothing will come out. Nothing will come out. And what is the fun? Why you want to waste the time and effort? No need of washing. Right. Okay. And no sir, can these is there? Okay. No. For whether water is there a grade of metallic pulsant pigment that we can use in place of the bronze powder that we are getting, the MAPCO powders that we are getting? Hmm. बोलना चाह रहे हैं कि जो bronze powder MAPCO का हम use करते हैं, we won't use company, sorry, उसमें कुछ disadvantages है ब्रॉन्ज पर्ल यूज कर सकते हैं क्या, उसमें क्या डिफरेंस रहता है और उसके प्लसेस एंड माइनसेस है? राइट, बिल्कुल सर. एक्चुअली लिफिंग ग्रेड जो ब्रॉन्ज पाउडर रहते हैं उनकी बात, लिफिंग ग्रेड जो आपने मेपको का बताया वो यूज करते हैं ना, तो एक्चुअली दैट इज वेरी क्लोज टू द रियल गोल्ड बेसिकली. ओके, that is close to real gold, but when you use the pulp pigment na, okay, it's a very matlab it's near gold, it's a near gold, exactly not gold, therefore that is the difference is there. So that give the real gold and this real gold, but actually after exposing that become black, it does not become black. Yes, become black. Exactly. But the effect जो powder होता है उसका जो black हो जाता है सुनम जी, जो powder रहता है उसका जो effect रहता है वो long lasting रहता है. But sir उसका जो initial effect होता है ना, lightning power उसका जो initial ज़्यादा होती है pearl में. Right. There are basic differences sir. In metal powder the substrate is different. They are having the perfect mean, where in pearl pigment it is a different range. So the effect cannot be same. You cannot create a same effect with two different substrates. I would like to introduce the person who is telling the answer. This is Sanket Kothari from FX Pigments. Okay. I'm sorry to intervene, Mr. Tipanna. Just had some views, so just share it. I'm really sorry to disturb in that case. No problem. Go ahead. Okay, the next question is from Mr. Surya Prakash. Sir, boliye. Sir, namaste, sir. Sir, my question is, while coating with titanium dioxide, you are using a titanium tetrachloride. This titanium tetrachloride is highly reactive. Now, how you are going to react with sodium hydroxide? As it is, it reacts with the moisture and it becomes titanium dioxide and these things. How you are going to react to titanium tetrachloride? Very good question. There is a technology involved in it. Hello? Very good question. There is a technology involved in it. Okay. We modify titanium tetrachloride in such a way that we can handle it and make reactive easily with sodium hydroxide. That much I can tell you. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर, चैट में क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले मैं वो ले रहा हूँ. रुचि जी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में, पहले ले रहा हूँ सर क्वेश्चन रुचि जी का, अगर वो आवाज को सुन रहे हैं तो दे कैन अनम्यूट हरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन. रुचि कैन यू हियर मी? या प्लीज, गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज अबाउट द कलर ट्रांजिशन. आई एम रुचि देशमुख. My question is related to the color transition slide that you had shown. Mm-hmm. The question is that is the color transition only dependent on thickness, or the anisotropy of the shape also contribute towards the optical anisotropy with the pearlescent pigments? Can you repeat the question once again? Question is the color transition that you had shown, moving from red, blue, yellow, mm-hmm. and so on. You mentioned that it is dependent on the thickness that you coat with. But there is an inherent anisotropy of the shape of the particles also that brings in the color transition in the nanoparticle cases. So do we observe the same with the pearlescent pigments or not? See, this when we talk about, we are taking up mica is a substrate, and mica is having certain dimensions,
certain shape is there. Now, in that particular shape, you take in the diet, if you coat with a different thickness, you will get the this color transition. But suppose you change the substrate with having the different symmetry, then definitely that will be having the effect on the color transition. You know, you can't get the same effect. Suppose your thickness, if the titanium dioxide is about about 20 micron coating on the mica, having the yellow color. Now 20 micron, if I coat in another substrate which is having the different symmetry, then I won't get the yellow color in that. Basically, it's the effect is seen on the mica which is having the identical structure of the symmetry is identical and is having a certain aspect ratio of the mica. Okay, get it. So definitely the substrate play important role, not all. Thank you, sir. Okay, next question we are taking from Rachit Walia ji. Rachit Aluwalia, please. Boliye sir. Rachit Aluwalia from Thermoplast. My question is, since you said that mica is available in plenty and we have the best mines available in India. Barabar hai. So why it is so that no company other than Sudarshan is manufacturing pearl pigment? Since we have very big pigment manufacturers. No. It's not a matter of why is it so? I mean. See, I told you that there is a lot of challenge available. Challenge is basically it's not a simple. Most of the pigment manufacturer, the technology is very simple. They take the technology from one company to another company. They start manufacturing. Therefore, there you find many pearl pigment manufacturers in the India. But in the pearlescent pigment, even by lifting one person from one company want to start manufacturing pearl pigment is not possible. And second thing, infrastructure is very high requirement. Third is it is having multi steps. So the consistency of the pearl pigment is very very difficult to attain without a full automation in the making manufacturing. Because I manufactured, I know what difficulty I faced in that. So therefore, it is a, if suppose you have the sufficient investment power, and second thing, full automation, you can manufacture the pulp pigment. As most of the pigments in India, they are not that much distinct. What you can say, I approach many people for this collection pigment. But they say that a lot of problems are there, a lot of steps are involved, and we are not interested. So I don't know what is the reason for. What is the reason? Do they think that they are not able to compete with the Chinese company if they manufacture? No. Rachit ji, agar hum technical pe baat kar rahe hain, to zyada better rahega, kyunki abhi log ye janna chahte hain ki abe pearl ke upar kya kya cheeze hamare liye zaruri hai aur kaise usko hum use kar sakte hain. Banana na banana, that is a different thing, and maybe ये marketing से related. ना बनाना ना बनाने का मतलब सिर्फ ये था. नहीं, marketing से related नहीं है. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इतनी सारी companies इंडिया में बड़े बड़े pigment manufacturers हैं, वो क्यों नहीं करना पड़े. नहीं, India is the most suitable for manufacturing the pearlescent pigment. That is only one sentence again. And it can be highly economical when you manufacture in India. सर मोदी जी को ये बोलेंगे ताकि वो ज्यादातर अच्छी चीजें pearl pigment जो बनाने वाले उनको कोई facilities दें तो शायद ये काम हो जाएगा. लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ डॉक्टर अनिल बंसल का. काफी देर से वो वेट कर रहे थे. डॉक्टर अनिल बंसल, प्लीज बोले सर. या डॉक्टर तिपन्ना, गुड आफ्टरनून. गौरव जी अभी आ रहा हूँ. गौरव जी अभी आ रहा हूँ. हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने स्टैंडर्ड साइज बताया पार्टिकल का 10 to 60 माइक्रोन. ये जो जैसे पिगमेंट बनने के बाद का है या इनिशियल जो सब्सट्रेट का है ये 10 to 60 माइक्रोन? फाइनल का ही है, उससे पहले वो थोड़ा कम रहता है, बाद में कोटिंग होने के बाद 10 to 60 रहता है. तो कितना एग्लोमेरेट होता होगा? सपोज 10 to 60 है तो इनिशियली कितना लेना पड़ेगा पार्टिकल साइज उसका? इनिशियली मतलब हो सकता है कि अबाउट 50 माइक्रोन तक रहेगा, 10 to 15 माइक्रोन, दैट गेट्स टू 10 to 60 माइक्रोन. सपोज वी टेक इनिशियली 50 माइक्रोन, इट विल कन्वर्ट 60 माइक्रोन. दिस इज द पार्टिकल साइज ऑफ द फाइनल पल्प पिगमेंट. The separation is done such a way that after coating you get this final particle size. That's what it is. Yeah. Second after question coating, is that, yeah. And second question is bronze, copper, and wine. You told like you take that the ferrous sulfate or ferric chloride. So this temperature is same for all three, or there is a different temperature for? Temperature same. Same temperature. Temperature same. Same temperature. But
the parameter changes while coating the iron oxide from the bronze to copper to iron gray. There is a lot of parameter changes, of course. But temperature remains same. And last आपने बोला जो इसका weather effect है, weather effect in terms of temperature or other property, because we are taking the suppose in process already temperature going like 350 or 400. And if you weather actually is not temperature, it's the only the UV radiation, UV weather means UV radiation, basically UV radiation, because of the when we exposed to the weather UV radiation, it becomes titanium dioxide become yellow, basically. If you see, we have to become yellow. Most of the white paint become yellow paint because of UV radiation. You coat with this silica or aluminum, that yellowish will not take place, and because of coat with Hello. Hello. I'm listening. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Haji sir. Dr. Tripanna. He's there. Manish, we can take next question. Arun Lanjewarji, aap question bole sir, please apna bataye. Yes. Yes. Dr. Tripanna, can we mix organic pigment to silver pearl to get different color variant? Hello. Yes, absolutely right. It is done. Done in all the applications. It is done in all the applications. It is done. We can mix it. Hello. Hello. सिल्वर पर्ल में अलग अलग कलर रेंज बनाने के लिए क्या ये हो सकता है? डॉक्टर तिपन्ना आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, एक बार दोबारा आंसर दीजिए प्लीज. सर रेंज में नहीं आए शायद, आप रेंज में बात करेंगे. कर सकते हैं, यू कैन मेक द डिफरेंट कलर्स बाय मिक्सिंग द सिल्वर कलर. ओके ओके, यू कैन. तो आंसर इज ये है कि आप ऑर्गेनिक पिगमेंट को सिल्वर में यूज कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंट कलर्स बनाने हैं तो. ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये कार के कोटिंग्स में अपन कई बार देखते हैं कि मेटालिक पिगमेंट रहते हैं, तो इसमें ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कोटेड फिल्म को कि ये सिल्वर मेटालिक का बना हुआ है या पर्ल का पिगमेंट का बना हुआ है वो कोटिंग? कॉस्ट के हिसाब से नहीं, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ कोटेड फिल्म? सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कोई कोटेड फिल्म है, हमारे पास कोई सैंपल आता है और हमें बोला जाता है कि ये प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मेटालिक पाउडर से बना हुआ है? तो माइंड में अगर आप बिल्कुल माइंड मेरे ख्याल से पर्लसेंट पिगमेंट का शाइनिंग ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द मेटालिक पिगमेंट से. Can I answer this? Yes, please. See, the metallic pigments, the aluminum pigments have a very less particle size. So the mean is very particular. And whereas in pearl pigments, there's a range of 10 to 60 or 10 to 100 microns. So the particles are varied. Then you see a very less particle size on the coated film. It is, you can assume that it is an aluminum pigment paste. Where are aluminum products or a metal product, where in pearl you will see the different scattered effect because it's a range. वैसे भी संकेत जी, मेरे ख्याल से जो पर्ल जो मेटेलिक पेस्ट आती है जिसको हम कहते हैं, उसका जो एक सरफेस कोट रहता है वो इक्वल रहता है, मतलब सारा सरफेस कोट एक रहता है. Yes, so, because the D50 पाउडर रहता है उसका सरफेस कोट एक जैसा नहीं रहता है. Correct. So, the D50 is perfect mean like 24 or 25 really? For any of the metal coated pigments. आप क्या कहेंगे करना? नहीं वो देखो उसमें लिफिंग और नॉन लिफिंग रहेगा. लिफिंग रहेगा तो स्मूथ रहेगा, नॉन लिफिंग रहेगा तो स्कैटर्ड रहेगा उसमें भी. ओके. एंड सेकंड थिंग, उनका पता फिजिकली कैसे देख पाएंगे? फिजिकली डिफिकल्ट है मेरे, क्योंकि वहां पर पार्टिकल साइज और सब देखने तो साइनिंग के हिसाब से देखता है. मुझे लगता है साइनिंग के हिसाब से देखेंगे ना, इसका वो जो स्पार्कलिंग इफेक्ट जो रहेगा ना, स्पार्कलिंग इफेक्ट विल बी मोर इन द पल्प पिगमेंट एंड लेस इन द
metallic pigment. That is what I want to say. Okay. ठीक है सर अरुण जी और कोई क्वेश्चन आपका ठीक है जी बस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सर मुरली बांग जी से इनका क्वेश्चन चैट में था मुरली जी प्लीज अपना क्वेश्चन बोलेंगे अनम्यूट करके नमस्ते सर मुरली बोल रहा हूँ सर मेरा क्वेश्चन था ये कुछ हेवी मेटल वगैरह आते हैं ना जैसे उसमें ये पर्ल पिगमेंट में होते हैं या नहीं होते हैं ये थोड़ा सा जानना होता है बेसिकली जो माइका का जो होता है माइका का जो बिकॉज़ इट्स अ मिनरल इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द माइंस तो उसके अंदर हेवी मेटल आने का चांसेस देते हैं तो जब आप माइका को प्रोसेस करते हैं तो उसमें हेवी मेटल निकाल लेते हैं निकालने के बाद जब कोटिंग करते हैं यू कैन गेट द कॉस्मेटिक ग्रेड पल्प पिगमेंट अच्छा दूसरा क्वेश्चन था सर मेरा ये अपन मेरा पेंट इंडस्ट्रीज है तो उसमें मीडिया मेरा टीपीए या एनसी बेस्ड पेंट में होता है यूज में तो क्या ये दोनों में काम आ जाता है या कुछ उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी होती है क्या कौन सा एनसी और कौन सा बोला आपने एनसी और टीपीए थर्मोप्लास्टिक एक्रेलिक रेजिन अच्छा पीएस दोनों में यूज हो सकता है नो प्रॉब्लम अच्छा नो प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं दोनों हां क्योंकि एक्चुअली में देखना आया जो मेटलिक जो पिगमेंट होते हैं पाउडर होते हैं वो एनसी में हम यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद में वो जेली वगैरह बन जाते हैं तो इसमें ऐसी कोई समस्या तो नहीं आती जेली हाँ नहीं इसमें जेली नहीं बनेगा सेटल हो सकता है अगर आप बराबर डिस्पर्जिंग एजेंट नहीं यूज करेंगे तो सेटल हो सकता है थैंक यू सर सेटल हो सकता है अगर आप डिस्पर्स Thank you, sir. Okay, next question is from Dr. Gaurav Srivastava. Dr. Sir, boliye, Gaurav ji. Unmute kar lijiye, sir. Gaurav ji, unmute kar lijiye. Haan ji, boliye. Dr. Sir, aapka presentation. Hello? Hello? Yes, boliye, sir. Hello? Boliye. Sir, meri awaaz aa rahi hai na? Haan, boliye. Haan, Dr. Sir, aapka presentation bahut acha tha. और आपने इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को बहुत इजी वे में प्रोसेस किया और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस तरीके के इजी प्रेजेंटेशन की वजह से ऐसा लोगों को लग रहा है कि पर्ल पिगमेंट बनाना बहुत आसान है जबकि इसमें जिस तरीके के प्रोसेस और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है सिंस बीइंग अ कोर टेक्निकल पर्सन इन दिस R&D फील्ड सो आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व And that's why मैं just एक add-on करना चाहूंगा रचित जी का जो question था जिसमें उन्होंने पूछा था कि ये बड़ी कंपनियां इंडिया में हैं pigment manufacturing की और वो इस project को क्यों नहीं take on कर पाती हैं या हमारी इंडिया में इतना abundance में अगर raw material available है तो हम use क्यों नहीं कर पाते हैं सर इसमें इस project के अंदर चार major technology involved हैं और उस चार major technology के लिए चार major investment point चाहिए और उन चारों के लिए चार expert चाहिए तभी आप इस तरीके के प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं दूसरा कंसिस्टेंसी हर बार आपको सेम मिलनी चाहिए इसके लिए बहुत एक्सपर्ट एडवाइस का रिक्वायरमेंट है एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप इतने सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ में लेकर के और प्रोजेक्ट डालें एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा नहीं दिखेगा आपको इनिशियल डेज में तो कोई भी कंपनी इसमें हाथ नहीं डालेगी सेकेंडरी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्पर्सिंग एजेंट्स प्रॉपर डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करने चाहिए इफेक्ट पिगमेंट के तो क्या आप कुछ गाइड कर सकते हैं किस तरीके की केमिस्ट्री के डिस्पर्सिंग एजेंट यूज करने चाहिए सी मैंने इसको जब आई यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट फॉर द बेस्ट ऑन द रेजिन सिस्टम्स एनसी के लिए अलग यूज किया था मैंने पॉलीएमाइड के लिए यूज किया अलग किया हूं बाद में वाटर बेस्ड सिस्टम के लिए अलग यूज किया हूं तो ये जो पॉलीमेरिक डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं पॉलीमेरिक डिस्पर्सिंग एजेंट जो लुब्रिजोल्स के हैं या बीवाईके के हैं तो इवन एक्चुअली सिंपल ये एनपीवी मिथॉक्सिलेशन भी एनपीवी यूज कर सकते हैं क्या बोलते हैं नॉन इम्पिनोल मिथॉक्सिलेट भी यूज कर सकते हैं हायर मोल के तो अगर चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ बिकॉज मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर तो कौन सा ग्रेड किसके लिए सुटेबल है इफ सपोज एनी टाइम यू रिक्वायर आई कैन शेयर विद यू ओके एक्चुअली मैं भी बीवाईके एडिटिव्स के साथ में 15 साल तक काम किया है सो मैं जस्ट मतलब ये कंफर्म करना चाह रहा था कि जो मेरी फाइंडिंग है वो उसके साथ में सही है या नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ऐसा पाया है कि जो पॉली ईथर मोडिफाइड को पॉलीमर्स होते हैं पिगमेंट एफनिक ग्रुप के स्पेशली जिनमें पिगमेंट एफनिक ग्रुप इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए लगा होता है
वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं परफेक्ट परफेक्ट इफेक्ट पिगमेंट के लिए परफेक्ट ओके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं डॉक्टर साहब एक मिनट जरा हां जी हां जी बिल्कुल मेरे पास लाइन ऑफ क्वेश्चंस है और टाइम बड़ा थोड़ा सा है तो पूनम मेहता जी प्लीज अपना क्वेश्चन ले सर हेलो जी पूनम मेहता हाँ आवाज आ रही है गुड मॉर्निंग गुड गुड आफ्टरनून जब जागो तब सवेरा बोलिए सर अच्छा मेरा हाँ वो बात सही है अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था साहब आपने बताया कि इसको ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं है सिर्फ डिस्पर्सन ही करना है तो वाटर बेस्ड पेंट में इसको कौन से स्टेट पे यूज करें तो सही रिजल्ट मिलेगा सर क्वेश्चन ये है कि जब ये पिगमेंट हम डालें अपने वाटर बेस्ड प्रोडक्ट में कि हमारे को रिजल्ट बढ़िया मिले एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सी बेसिकली इसको कौन से सी कौन से स्टेज पे डालेंगे इसके अंदर क्या है आप जैसे कौन से स्टेज मतलब बिगनिंग में आपको जब पानी लेके उसके अंदर थिकनर डाल के डिस्पर्स कीजिए पानी थिकनर डिस्पर्स कीजिए डाल के बाद में पर पिगमेंट को धीरे धीरे डाल के अंडरस्टरिंग डाल दीजिए और बाद में जो चाहिए बाद में डालते जाइए अगर आप फिलर यूज कर रहे हैं तो पहले आप फिलर को ग्राइंड कर ले प्रॉपर से सारा कुछ करने के बाद में उसके बाद में आप ये मेटेलिक पर्ल डालें अगर आप फिलर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप पहले डाल सकते हैं और बाद में सारी चीजें डाल सकते हैं ओके थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मंजीत एचडी कलर्स एक बार मंजीत जी एक बार आपसे पहले मैं एक क्वेश्चन और लेना चाह रहा हूं अभी वो ले लीजिए सर ले लीजिए कोई बात एक वो बीच में चले गए शायद कहीं चलिए आप बोलिए सर मंजीत जी बोलिए हां एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार जो पर्ल्स पिगमेंट हम यूज करते हैं उसमें कवरिंग और हाइडिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है तो कोई ऐसा टेक्निक है जैसे मान लिया हमने मार्केट से पर्ल पिगमेंट खरीदा तो उसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे चेक करेंगे जो हमको मिला है जो कैसे दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर उसकी ऑथेंटिसिटी वही है उसको क्या है आइडेंटिकल कंडीशन का जो आपका अच्छा सबसे अच्छा सैंपल उसको उसके साथ में सर्टेन परसेंटेज के अंदर आप या तो वाटर बेस्ड सिस्टम है या आपका एनसी सिस्टम में डाल के ड्रॉडाउन निकालो और उसका ग्लॉस और हाइडिंग दोनों कंपेयर कर लो तो तुमको आपको मालूम पड़ेगा कि पहले वाला जैसा था या सेम था और बाकी आपको हाइडिंग के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है या तो बैलेंस करना पड़ता है शाइनिंग और हाइडिंग का इसके लिए कभी कभी मिक्स ग्रेड यूज करना पड़ेगा आपको कि जो मार्केट में अवेलेबल है 121 ग्रेड और 100 ग्रेड ये दोनों को मिक्स करके यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर हाइडिंग मिल सकता है और समटाइम्स यू टू यूज दी 111 ग्रेड आल्सो 111 मतलब वो अल्ट्रा फाइन वाला 121 मतलब वो 5-25 वाला और 100 मतलब आपको 10-60 वाला ये तीन को अगर आप मिक्स करके यूज करेंगे तो आपको हेडिंग ही मिलेगा और साइनिंग मिलेगा लेकिन आपको प्रॉपर रेशियो मिक्स करना पड़ेगा और बाकी एट पर कंपेयर करना है तो आपको स्टैंडर्ड सैंपल के साथ भी ये सैंपल लेके एक परसेंट का ये बना लो पेस्ट बना लो पेस्ट बना के ड्रॉडाउन कर लो टेस्टिंग का प्रोसेस चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा आप उसके हिसाब से टेस्ट कर सकते हो ठीक है थैंक यू सो मच मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ पंकज शाह फ्रॉम अहमदाबाद पंकज बोलिए सर नमस्कार हेलो तिपन्ना सर सर आई एम नॉट बेसिकली फ्रॉम पेंट इंडस्ट्री आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल बेस हेलो आवाज आ रही है सर जी आ रही है हाँ हम मेरा मेटल बेस फर्नीचर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ओके और हम लोग बेसिकली मेटल से फर्नीचर बनाते हैं जस्ट लाइक सेंटर टेबल कॉफी टेबल्स जस्ट लाइक दैट अब जो उसके ऊपर एक मतलब क्रोम इफेक्ट देनी है मुझे तो गोल्ड कलर का जो एक 500% हाई ग्लॉस मिरर फिनिश देनी है उसके लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा रिसर्च किया पाउडर कोट किया लेकिन वो जो इफेक्ट चाइना वाले देते हैं और दे डेफिनेटली डू पेंट नॉट क्रोम और यू नो इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करते लेकिन इफेक्ट वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग देते हैं तो हाउ सर उसके लिए ना आपको मैंने पीछे बताया भी था शायद आपको ध्यान होगा एक अलग से मिरर कोटिंग आती है और ये अभी पर्ल का जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका रिलेशन क्रोम से है नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगा सर ठीक है जी श्योर सर थैंक यू पंकज जी
अभी और किसी का क्वेश्चन है सर, किसी ने लेना हो क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन रहता है मिस्टर श्रीनाथ जी का। हेलो श्रीनाथ जी, श्रीकांत चक्रपाणि जी बोलिए सर। एक मिनट सूर्यप्रकाश जी आ रहा हूँ, एक मिनट। डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है कि वी आर मेकिंग वाटर बेस्ड बोल्ट पैन, उसको ड्राइंग स्लो करने का है, वो ड्राइंग फास्ट तो ड्रायर कम डालिए, ड्रायर्स नहीं डालते हैं ना हम लोग, ड्रायर नहीं डालते, बराबर ड्रायर नहीं डालते, वाटर बेस्ड तो वाटर बेस्ड सर, वाटर बेस्ड वाटर बेस्ड बना, वाटर बेस्ड बोल्ट पैन ड्राई स्लो करना है आपको ना। हां थोड़ा स्लो करने का है, एमईजी बढ़ा दीजिए, वाटर बेस्ड गोल्ड के लिए डिस्पर्सिंग एजेंट, देयर इज अ BYK-292 इज देयर दैट यू ट्राई, BYK-292, ओके थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, हेलो अमित, अमित जी से, अमित जी हेलो, हाँ नमस्कार पल्ला जी, काफी काफी बढ़िया लगा आपका, काफी नॉलेजेबल था आपका, थैंक यू। हाँ तो हम जैसे माइक्रो पाउडर बनाते हैं और जितने भी आपने साइज बताए हैं ये 525 1060 1100 रेडी फॉर कोटिंग बनाते हैं तो, और जितने भी पल्प पिगमेंट को सप्लाई करते हैं कोटिंग के लिए चाइना इंडिया सब जी आप करते हैं? हाँ जी सर, आप क्वेश्चन पूछ लो ना सर, अभी स्टार्ट हुआ मिस्टर, वो तो पता लग जाएगा। आपका नाम क्या, आपका नाम पारस मेहता, पारस मेहता से बोल रहे थे पन्ना जी, पारस मेहता से बोल रहे हैं, पारस मेहता कहाँ से? हमारा प्लांट होसूर तमिलनाडु में है, बेंगलुरु के पास में। ओके ओके ओके, एंड योर वेट ग्राइंडिंग? वेट ग्राइंडिंग रेडी फॉर कोटिंग। अच्छा मशीन को, मशीन कैसे यूज करते हैं, हाई स्पीड मिक्सर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? नहीं वो चाइनीज ग्राइंडिंग मशीन है, वो डीलेमिनेट करते हैं, करते हैं ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे को सैंपल भेजिएगा, हां आपका डिटेल कुछ नंबर कांटेक्ट नंबर दे देते हैं, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मेरे से ले लीजिएगा, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारी डिटेलिंग दूंगा सर आपकी, टिपना जी। ठीक है तो मैं पूछ रहा था कि जैसे इसमें पर्ल पिगमेंट के अलावा जो अपने कलर पिगमेंट्स होते हैं तो वो डायरेक्ट भी अपने माइका में मिक्स करके बना सकते हैं क्या? साइनिंग नहीं मिलता उसका, मैंने ट्राई किया था, उससे इतना इफेक्ट नहीं मिलता है, कुछ मतलब नहीं। अच्छा वो उसका सस्ता इफेक्ट, चीप आइटम बनाना तो कर सकते हैं लेकिन साइनिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको कुछ। ओहो अच्छा ठीक है जी, ठीक है थैंक यू। हेलो अभी आया है इनका क्वेश्चन, ये काफी देर से इनका हैंड रेस था, इनका नाम नहीं आ रहा है, B2LDS। मैं सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर जी, बोलिए सर बोलिए, आप बोलिए B2LDS बोलिए सर। हेलो हाँ जी बोलिए सर, मेरा नाम था सर, पता नहीं कैसे गायब हो गया, आई एम बीके नोटिया फ्रॉम रिलाई पेंट गाजियाबाद। हेलो सर, पर्ल पिगमेंट का एसिड अल्कली रेजिस्टेंस कैसा होता है सर, एंड सेकेंडली ड्यूरेबिलिटी, एक्सटेंडेड ड्यूरेबिलिटी? हेलो एक्सटेंडेड ड्यूरेबिलिटी में जो पता है आपको उसको, अगर समझो आपको एक्सटेंडेड ड्यूरेबिलिटी बनाना है तो आपको स्पेशल कोटिंग वाला आइटम यूज करना पड़ता है, जैसे कि एल्युमिनियम कोटिंग, जिरकोनियम कोटिंग, तो वेदर रेजिस्टेंट अलग ग्रेड मिलते हैं वो यूज करना पड़ता है, बाकी अगर एसिड अल्कली रेजिस्टेंस तो एसिड जिसका अच्छा देता है, कोई सारा प्रॉब्लम। Okay. Secondly, sir, if I have to mix this mic, hello, if mica powder को paste में mix करना है, तो what is the process? क्या manually उसको mix किया जाए और if there is any machine to mix it? Mica paste में mix करना है तो? आपको मतलब mica mix करना है क्या, pearl mix करना है? Pearl mix करना है. Mica, not pearl.
तो आप सिंपल सिंपल अगर सिंपल मिक्सिंग में डाल सकते हैं अंडर पेस्ट के अंदर अंडर लो स्पीड में आप डाल सकते हैं इसको. So, ये पेस्ट फॉर्म में है ना सर, इसको मिक्सिंग नहीं कर सकते ना. कितना पेस्ट मतलब क्या विस्कोसिटी ज्यादा है क्या? पेस्ट इज अराउंड जैसे आपका मैपको का सिग्मा 7512 आता है मैपको का, तो वो थिक पेस्ट होता है. तो अगर उसमें माइका हाँ. डालना है तो हाउ टू मिक्स दैट. अच्छा उस पेस्ट के अंदर आपको ये डालना है. हाँ तो सिंपल हैंड मिक्सिंग विल वर्क. आपको नहीं 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 वो सिग्मा मिक्सर चाहिए उसके लिए. सिग्मा मिक्सर क्या बोलते हैं सिग्मा मिक्सर चाहिए. ओके ओके द पुट्टी इज मेड इन दैट. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सुरेश बाबूजी का. सुरेश बाबूजी प्लीज बोलिए सर. हेलो बोलिए सर. बोलिए. हाँ नमस्ते सर. नमस्ते सर. नमस्ते सर. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक आयरन ऑक्साइड पिगमेंट जो है ना वो कंक्रीट कलर बना कंक्रीट में कलर बनाने के लिए यूज करते हैं कंक्रीट. तो ये बराबर है ये पर्ल पिगमेंट को हम लोग वो मिक्सर में वो सीमेंट का बेंड होता है उसमें सीमेंट हुआ तो कुछ इफेक्ट देगा क्या उसमें? कुछ विल देयर बी एनी इफेक्ट समथिंग? सर एक कंक्रीट की जो चीज बनाते हैं वो पर्ल पिगमेंट उसमें यूज करें तो उसका इफेक्ट पर्ल पिगमेंट देगा क्या? हाँ मिलेगा साइनिंग मिलेगा लेकिन आपको साइनिंग चाहिए लेकिन मिल जाएगा कुछ साइनिंग इफेक्ट चाहिए और मिल जाएगा आपको इफेक्ट मिलेगा आपको. ये सीमेंट के साथ मिक्स करना चाहते हैं सर? हाँ थोड़ा बहुत मिलेगा. सीमेंट ज्यादा रहता है तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत आपको थोड़ा साइनिंग इफेक्ट मिलेगा आपको. लेकिन सर ये बहुत महंगा पड़ेगा. हाँ सर नहीं ये रेड कलर हमारा आयरन ऑक्साइड पिगमेंट में कौन सा कलर का मतलब ये ब्रॉन्ज कलर का कुछ मिक्स किया तो कुछ शाइनिंग इफेक्ट किया था कुछ ऐसा कुछ नया इफेक्ट कुछ मिलेगा क्या इससे? कुछ इफेक्ट मिलेगा ऐसा? नहीं रेड कलर के अंदर आपको रेडिश मिलेगा थोड़ा उसमें शाइनिंग आ जाएगा रेडिश. ओके ओके सर. येल्लो में कुछ गोल्ड कलर ऐसा कुछ मिक्स किया तो ऐसा कुछ आएगा सर? कुछ नहीं ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपका सीमेंट विमेंट है तो ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा. हाँ सीमेंट क्योंकि ये कंक्रीट कंक्रीट का स्ट्रक्चर. हाँ कंक्रीट. हाँ सैंड है वो है ये है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये डालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी दूसरा आप करके देखो थोड़ा साइनिंग थोड़ा बढ़ सकता है. ठीक है सर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लो सर राजा गुप्ता जी का गोहोई पेंट से. राजा गुप्ता जी प्लीज बोले अपना क्वेश्चन सर. अनम्यूट कर ले सर. सर नमस्कार. बोलिए. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार सर. अनम्यूट कर लो सर अपने आप को सर. अपने एंड से अनम्यूट कीजिए. राजा जी हेलो. हाँ आ रहे हैं आवाज आ रहे हैं सर. हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि ये एल्युमिनियम पेंट में जैसे भी हम मेटल पाउडर का पेस्ट यूज करते हैं क्या उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं क्या उसको पर्ल पिगमेंट से? हाँ कर सकते हैं लेकिन एल्युमिनियम से महंगा पर्ल पिगमेंट होता है सर. हाइडिंग उतनी नहीं आएगी आपको. हेलो क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो या फिर मिक्स करेंगे क्या क्या ऑप्शन रहेगा? कॉस्ट बढ़ जाता है हाइडिंग इतनी नहीं आएगी. बाकी डॉक्टर साहब बताएं कॉस्ट बढ़ जाता है उसमें. राजीव बोला कॉस्ट बढ़ जाता है और हाइडिंग नहीं रहता क्योंकि तो उसके अंदर आपको थोड़ा हाइडिंग मिल जाता है एल्युमिनियम पेंट में इसके अंदर नहीं मिलता है तो हाइडिंग का प्रॉब्लम रहेगा. लेकिन हाइडिंग का भी अगर यूज करने जाएंगे तो अगर फाइन पार्टिकल यूज करें तो हाइडिंग मिल जाएगा लेकिन आपको कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. सर अभी अगला किसी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से राठौर जी लेना चाह रहे थे चमक पेंट से. बोलिए सर. यस सर मैं पूछ रहा था सर कुछ जगह पे पहले मैं गुड आफ्टरनून कहूंगा सर. कुछ जगह पे सर ऐसा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर एल्युमिनियम पेंट लगाते हैं बराबर वहाँ कुछ जगह पे प्रॉब्लम ये आते हैं कि वो कहते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा या नहीं तो वहाँ पर मेटालिक जो है वो सब रिजेक्ट हो रहे हैं तो या क्या पर्ल पिगमेंट जो है ये काम करेगा ये काम करेगा ये जी सर ये कंडक्टिव नॉन ये कंडक्टिव है नॉन कंडक्टिव है ये पूछते हैं ये इंसुलेटिंग है इंसुलेटिंग है ये जी सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर का बात. इनफैक्ट माइका यूज इज इंसुलेटर. माइका जो यूज होता है इंसुलेटर जैसे यूज होता है. जी सर थैंक यू वेरी मच सर. सर क्या
अभी हम लोग इस सेशन के एंड पर हैं और मैं समझता हूं कि आज का सेशन बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ रहा एंड वी वुड लाइक टू यू नो थैंक्स डॉक्टर तिपन्ना फॉर दिस सेशन एंड अभी सबको मैं म्यूट कर रहा हूं एंड आई नीड अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर तिपन्ना प्लीज एक बार जोर से तालियां बजाइए मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में अभी कुछ लोग दिल्ली से भी जुड़े हुए थे और वो शायद अभी है कि चले गए मुझे पता नहीं शिम्पी जी आर यू देयर शिम्पी आर यू देयर नहीं सर चले गए ओके आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर तिपन्ना ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीबडी यू नो हैविंग योर सेशन और पेन विजन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है सर कि आपने इतने अच्छे सेशन को इतने अच्छे प्रोडक्ट को इतने अच्छे टॉपिक को इतने अच्छे से लिया एंड उसमें जितने भी लोग हैं मैं ये समझता हूँ कि आज सबको बहुत बेनिफिट मिला होगा इस सेशन का और इसकी वीडियो भी हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद अपलोड कर देंगे हमारे YouTube चैनल पर एंड अगेन आई वुड लाइक टू से कि आपको जिसको भी ये सेशन में अच्छा कुछ लगा है अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें हमारे YouTube अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंड थैंक्स अगेन डॉक्टर तिपन्ना और आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ग्रेट हमारे साथ इन्होंने आज कोलैबोरेशन किया है और थैंक्स टू डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल आल्सो कि जिनकी वजह से आज ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई हैं इन दोनों की वजह से सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर मेरे पास ऑलवेज फिर से कहूंगा कि किसी को भी अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी अपने हमारे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर चैट में भेज दें अभी मैं दो मिनट के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप चैट में अपने नंबर्स भेज सकें जो भी हमारे ग्रुप्स में व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड नहीं है और ऐड होना चाहते हैं वो अपने नंबर्स प्लीज हमारे को चैट में भेज दें ताकि उनको अपने ग्रुप्स के अंदर ऐड कर सकें अभी लगभग हमारे 5 ग्रुप हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस लोग हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा डायरेक्टली और हम लोग अपने ग्रुप्स को और इंक्रीज करते जा रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स को और फिर वही बात कहूंगा कि किसी को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड होना है तो प्लीज हमें अपना नंबर अपनी इस चैट के अंदर भेज दीजिए हम आपको ग्रुप्स के अंदर ऐड कर लेंगे दो मिनट के मैं इसको भी ऐसे ही चलाऊंगा ताकि आप इजिली अपने नंबर्स को डाल सकें मनीष जी वन मोर सजेशन जी राजेंद्र जी बोलिए सर प्लीज What I would suggest कि आप और भी किसी के questions है तो आप जमा कर सकते हैं like and then if Dr. Tipanna when the time permits you can like collect those questions and answer them online sometime. हाँ सर उसका हम एक और तरीका है सर हम लोगों का एक कॉलम आता है हमारे पेंट विजन के न्यूज़लेटर में ask the expert तो आप लोगों के कोई भी ऐसे question हो जो आपको बाद में याद आए कि अरे मैं ये पूछना भूल गया तो आप परेशान ना हो आप हमारे को वो क्वेश्चन भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं वो क्वेश्चन हम डॉक्टर तिपन्ना पे भेजेंगे और जो हमारा एडिशन नेक्स्ट छपेगा उसके अंदर हम सभी को वो क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे देखो आप और दूसरे ग्रुप में भी इसको रन करेंगे ना वीडियो को अभी शायद हम इसका जो वीडियो है वो सर अभी यूट्यूब पे अपलोड करके सभी को उसका लिंक भेज देंगे अच्छा और सभी लोग उस ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे हमारे जाकर इसको देख सकेंगे आप लोग हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं पेंट विजन के नाम से है आप अगर YouTube पे जाएंगे पेंट विजन टाइप करेंगे तो हमारा YouTube चैनल आएगा वैसे भी हमारे साथ जो ग्रुप्स में ऐड है उन सबको मैं टाइम टू टाइम इसका लिंक भेजता जा रहा हूं और आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें उसमें और भी जितनी भी अभी तक की हमारी ग्रुप मीटिंग्स हुई है उन सबके वीडियोज अवेलेबल है टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है जितने भी डिफेक्ट्स के ऊपर बातचीत की थी हमारे डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव ने वो भी सब कुछ अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यस्टरडेज का जो सेशन था जो पार्ट 4 है वो रिकॉर्डेड नहीं हो पाया था कुछ टेक्निकल रीजन से तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा बट हम कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर गौरव उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके हमें दे दें ताकि वो भी हम उस पर डाल सके अपने यूट्यूब चैनल पे तो लास्ट यस्टरडे का जो सेशन था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है बट उसके साथ साथ हम लोग कई चीजें टेक्निकली भी सीखे हैं तो अभी वो गलती दोबारा नहीं होगी बाकी ये सेशन 100% आपको शाम तक अवेलेबल रहेगा फिर बोलूंगा सर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो कुछ छूट गया हो जो आज आप चाहते हो कि पर्ल के ऊपर पूछना वो आप हमारे को भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मेल आईडी पे भेज सकते हैं हम आस्क द एक्सपर्ट कॉलम जो हमारा हमारे पेंट विजन के न्यूज़पेपर में आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन के आंसर देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे अगेन थैंक्स अ लॉट आप सबका
आप सब प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने एक्सपीरियंस आज के वो प्लीज शेयर करें हमारे WhatsApp के ग्रुप्स में, जिस जिस ग्रुप में आप एडिड हैं, जो ऐड नहीं है उनको भी आप जैसे नंबर्स मुझे भेज रहे हैं लगातार, मैं उन सबको भी ऐड कर दूंगा। हम लोग 5 ग्रुप ऑलरेडी हमारे WhatsApp के बन चुके हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट नया ग्रुप जो बनने जा रहा है वो आज शाम तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सबको उसमें हम ऐड करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन डॉक्टर तिपन्ना, रियली ऑब्लाइज सर, आपने हमारे पेन यूनियन को इस प्लेटफॉर्म को अपना इतना समय, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेलकम जी, आपका तो बहुत बहुत थैंक्स है कि आप हमारे सेशंस में रहते भी और आप हमारे को ज्ञान भी देते रहते हैं बीच बीच में। अभी आपने कुछ लिखा था सर, मैं सच्ची बताऊं मुझे समझ में नहीं आया वो, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं, आप बोल सकते हैं अगर आपने उसके बारे में बात करनी है। जैसे अभी ये क्वेश्चन था ना बेस्ट डिस्पर्सिंग एजेंट के लिए, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि BYK में एक 292 करके ग्रेड आती है, तो जस्ट मैं अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ से आपको शेयर कर रहा हूँ कि BYK में सर 292 करके ग्रेड कोई नहीं है, आपको शायद कुछ नंबर की मिसिंग हो गई है, उसमें शायद 292 की जगह पे 192 ग्रेड आता है, डिस्पर BYK 192 ग्रेड का नंबर हो सकता है। ये पॉलीइथर मॉडिफाइड केमिस्ट्री है, पॉलीइथर को पॉलीमर है पिगमेंट एफिनिक ग्रुप के साथ में, और सिमिलर केमिस्ट्री सर इवोनिक के अंदर भी है, टैगो प्रोडक्ट के अंदर भी, और उसका नंबर है टैगो डिस्पर 656, और दूसरे भी कंपनियों का इस तरीके की केमिस्ट्री का प्रोडक्ट आता है जो इफेक्ट पिगमेंट की एंटी सेटलिंग और उनके इफेक्ट को इम्प्रूव करने के काम में आता है। थैंक यू वेरी मच, इतना बढ़िया आपने चीज बोली है सर, मैं ये बोल पाता, आपने मुझे मैसेज चैट पे किया, मेरे जैसा बंदा बोल पाएगा ये चीजें। चलिए सर, ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया नंबर का, तो मैंने चैट में डाल दिया जस्ट इसलिए। नहीं नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर, सो नाइस ऑफ यू। अब आप आराम करें, आप भी बहुत हमारे साथ जुड़े हुए अच्छे तरीके से, और थैंक्स अलॉट सर आप सबका, और सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग आए हमारे पेन विजन के जूम मीटिंग के अंदर। नाउ वी आर एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू टू एवरीवन, आभार सर, आभार आप, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर तिपन्ना, थैंक यू डॉक्टर तिपन्ना वंस अगेन, थैंक यू सर।